तो आज के वीडियो में जो हमारी पिज्जा ट्रैकिंग सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे और ये हमारे सीरीज का 6th पार्ट है। तो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था हमारा कार्ट पेज और लॉगिन रजिस्टर पेजेस, और इस वीडियो में हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा पिज़्ज़ा है उसको कार्ट के अंदर कैसे स्टोर करना है, और जो खुद कार्ट है उसको हमें कैसे क्रिएट करना है और सर्वर पे उसको कैसे स्टोर करना है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि सेशन क्या होता है या फिर कुकीज़ क्या होते हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और इसके साथ में जो हमारे कंट्रोलर्स है उसको कैसे क्रिएट करना है, फिर हमारे जो राउट्स है उसको हमें कैसे कनेक्ट करना है हमारे कंट्रोलर से। तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। हेलो 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 फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कीजिए सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस करके, सो यू डोंट मिस एनीथिंग। ऑलराइट, तो चलिए मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, और सबसे पहले चलते हैं हमारे प्लान फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सा काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है और इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए, ये होम पेज हमने ऑलरेडी बना दिया है और कार्ट पेज भी हमारा रेडी है, तो इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कि जितने भी हमारे राउट्स है उसको हमें मूव करना है अपने राउट्स फाइल के अंदर। अभी अगर हम देखेंगे तो जितने भी हमारे राउट्स है ये सारे राउट्स हमारे यहाँ पे सर्वर फाइल के अंदर है, और ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे राउट्स होने वाले हैं। अगर सारे राउट्स हम सर्वर फाइल के अंदर रखेंगे तो ये फाइल बहुत ही बड़ी हो जाएगी, और फिर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो राउट्स है उसको हम मूव करेंगे, तो इसको कहाँ पे मूव करना है। देखिए, आपको याद होगा यहाँ पर हमने राउट्स नाम का एक फोल्डर बनाया था और उसके अंदर दो फाइल्स थी, एक है api.js, यहाँ पर अगर आप देखोगे api.js, और दूसरी है web.js। तो web.js के अंदर वो सारे हम राउट्स रखने वाले हैं जो भी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाले हैं, जितने भी हमारे वेब रिलेटेड राउट्स हैं। और api.js जो फाइल है उसके अंदर अगर फ्यूचर में हम इसके अंदर अगर APIs क्रिएट करेंगे, ताकि जो मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर APIs क्रिएट करेंगे इस प्रोजेक्ट में तो जो APIs के जो राउट होंगे वो api.js के अंदर रखेंगे। ओके, तो ये हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए अभी जो फिलहाल राउट्स हम रखने वाले हैं वो web.js के अंदर। तो इसको ओपन करते हैं, और अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहला काम मैं करूँगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनानी है। देखिए, यहाँ पर लिखूँगा फंक्शन और इसको नाम देते हैं। देखिए, इसको कुछ भी नाम आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं नाम देने वाला हूँ init routes, थोड़ा सा रिलेटेड ये नाम लगना चाहिए, init routes। और ये फंक्शन है तो इस तरह से इसको ओपन करना है, और इस फंक्शन के अंदर जितने भी routes हैं हमारे उसको हम यहाँ पे रखने वाले हैं। देखिए, अभी अगर मैं चलता हूँ अपने सर्वर फाइल के अंदर, और ये हमारी सर्वर फाइल है, देखिए server.js है और इसके अंदर हमारे routes है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, ये यहाँ से मैं पहला जो route है उसको उठा देता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से उसको कट कर लिया। और अभी चलते फिर से web.js के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। अभी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमने कॉल किया है app.get। अगर सर्वर फाइल के अंदर देखेंगे तो ये जो ऐप है वो हमारा इंस्टेंस है हमारे एक्सप्रेस का, और उस इंस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पे जितने भी मेथड्स है या फिर ये जो राउट है ये कॉल कर रहे हैं। देखिए, ऐप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी राउट तो हमने मूव कर दिया दूसरे फाइल के अंदर, तो यहाँ पे ऐप हमें कहाँ से मिलेगा। और ये ऐप जो है वो हमें सेम इंस्टेंस चाहिए होगा जो मेन इंस्टेंस है यहाँ पे, अब देखोगे, देखिए ये वाला सेम चाहिए। तो अभी क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर अगर web.js के अंदर आता हूँ, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, तो ये फंक्शन पैरामीटर्स रिसीव कर सकती है,
है ना। यहाँ पे आप कुछ भी पैरामीटर दे सकते हो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऐप, यहाँ पे एक पैरामीटर मैं रिसीव कर रहा हूँ, देखिए मैं रिसीव कर रहा हूँ, और ये जो ऐप है अभी यहाँ पे अवेलेबल हमें हो जाएगा, और फिर हम इस तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में अभी एक सवाल आया होगा कि ये ऐप यहाँ पे कैसे हमें रिसीव हो जाएगा। तो देखिए आपको फिर से याद दिलाता हूँ, ये हमारा नोड प्रोजेक्ट है, और नोड प्रोजेक्ट के अंदर हर एक फाइल होती है एक मॉड्यूल। देखिए अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा इस फाइल के अंदर से, समझ लीजिए कि web.js ये एक फाइल है, और इसको हम मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, और ये मॉड्यूल है तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे एक्सपोर्ट करना है आपको पता ही होगा, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है मॉड्यूल और एक्सपोर्ट्स, और इसको असाइन करना है जो भी आपको यहाँ पे यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है ये फंक्शन, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन हमने यहाँ से एक्सपोर्ट की, राइट। अभी चलते हैं सर्वर फाइल के अंदर, और हमारा जो राउट था यहाँ पे था, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी ये जो हमारी वेब फाइल है उसको हम यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे। तो इसको इम्पोर्ट करने के लिए आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल है, मॉड्यूल अगर नोड जेस के अंदर हमें इम्पोर्ट करना है तो सिंपली आपको लिखना होता है रिक्वायर, और उसके अंदर देना होता है मॉड्यूल का नाम, अगर ये लोकल मॉड्यूल है तो उसका पाथ आपको देना होता है। तो ये web.js ये एक लोकल मॉड्यूल है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली इसका पाथ हमें रिलेटिव पाथ देना होता है। तो देखिए ये सर्वर और web.js कहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं, सर्वर js हमारे रूट फोल्डर के अंदर है, राइट, और जो हमारी web.js है वो है routes के अंदर। सबसे पहले routes नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर ये फाइल है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं करूँगा डॉट और स्लैश, इसका मतलब क्या होता है, करंट फोल्डर, और फिर इस करंट फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, देखिए हम सर्वर फाइल के अंदर कोड लिख रहे हैं, तो करंट फोल्डर मतलब ये रूट फोल्डर अभी हो गया, इसके अंदर है routes, और routes के अंदर क्या है web.js। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, web.js आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो require फंक्शन है ये ऑटोमेटिक उसको जो है वो अपेंड कर देगा। तो .js यहाँ से मैं हटा देता हूँ। देखिए अभी इस तरह से हमने इसको रिक्वायर कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हमने एक्सपोर्ट किया है ये क्या है, एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या रिसीव हो जाएगा, एक फंक्शन, तो हम इसको कॉल कर सकते हैं। देखिए और कोई भी फंक्शन को अगर कॉल करना है तो सिंपली आपको क्या करना होता है, ये ब्रैकेट जो है वो लगाने होते हैं। तो अभी क्या होगा, जितने भी हमारे routes है यहाँ पे web.js के अंदर, ये सबसे पहले तो ये फंक्शन हम यहाँ पे रिक्वायर कर ली, फिर उसको कॉल कर दिया, और जैसे फंक्शन कॉल होती है इसका मतलब क्या, इसके अंदर का जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके अंदर क्या है, क्या एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं। यहाँ पे सिंपली हम कुछ routes डिफाइन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब ये जो routes है इसके अंदर जितने भी routes है वो डिफाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे हम सिंपली वही कर रहे हैं। देखिए ये जो कर रहे हैं हम, ये routes डिफाइन कर रहे हैं, और अभी जो कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, सिंपली जो routes है अलग फंक्शन के अंदर रखे हैं, फिर उसको इम्पोर्ट कर दिया, और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, बस इतना ही सिंपल है। अभी देखिए फिर से आते हमारे यहाँ पे, ये ऐप हमें यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, और यहाँ पे ऐप हमारे पास है, देखिए ये वाला वेरिएबल है, इसको इस तरह से आपको पास करना है। अभी फिर से अपने सवाल पे आते हैं जो आपके दिमाग में था कि ये ऐप हमें कहाँ से रिसीव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम उसको पास कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये रिसीव हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये है एक इंस्टेंस, और यहाँ से इस तरह से हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब हमें सेम इंस्टेंस यहाँ पे रिसीव होने वाला है, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर शायद पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो हमें मिल जाता है बाय रेफरेंस, सेम इंस्टेंस हमें यहाँ पे रिसीव हो जाता है जो कि हमें चाहिए था। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए जितने भी हमारे routes है यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी सिर्फ ये लाइन रहेगी हमारी, और routes मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे routes है वो हमारे web.js के अंदर अभी एक जगह आ गए, मतलब हमारे routes के लिए हमने एक dedicated फाइल बना दी। अभी मैं इसको सेव करूँगा और सर्वर फाइल को भी सेव करता हूँ और चलते हैं अपने टर्मिनल में। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो हमारा सर्वर है उसको जल्दी से मैं बूट कर देता हूँ। और सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको पता होगा हम यूज़ कर रहे हैं यार्न डेव, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। एंटर, ये सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, लिसनिंग ऑन पोर्ट 3300। और अभी यहाँ पे हमें और एक चीज़ करनी है, आपको याद होगा इस प्रोजेक्ट में हम लारावेल मिक्स यूज़ कर रहे हैं जो भी हमारा सास है या फिर जावास्क्रिप्ट है उसको कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और एक टैब ओपन करूँगा, तो आपको कंट्रोल टी टाइप करना है, नया टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा सेम फोल्डर के अंदर। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यार्न वॉच, देखिए ये कमांड थी जो हमारा लारावेल मिक्स है उसको रन करने की। एंटर करेंगे, ओके, तो लारावेल मिक्स अभी स्टार्ट हो गया और हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो गया। अभी इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और अभी चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा लोकल होस्ट 3300। और ये देखिए हमारा यहाँ पे पेज ओपन हो गया और देखिए ये सब काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए अभी चेक करेंगे कि राउट्स हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा रजिस्टर पेज, और ये रहा लॉगिन पेज, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कार्ड पेज पे जाएंगे, लेकिन शायद हमने इसको लिंक अभी तक किया नहीं है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने, देखिए कहाँ पे जाना है, लेआउट फाइल के अंदर, तो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ और लेआउट, और यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये हमारा कार्ट है और यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया। हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर क्लिक होने के बाद स्लैश कार्ट के ऊपर जाना चाहिए। आपको याद होगा देखिए हमारे पास स्लैश कार्ट ये राउट है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्लैश कार्ट कर दिया। देखिए अभी सेव करूँगा, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और अभी अगर क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये देखिए ये कार्ट पेज हमारा ओपन हो गया, मतलब हमारे जो राउट्स है ये बिल्कुल अच्छी तरह से अभी काम कर रहे हैं। तो ये राउट्स का तो हो गया, लेकिन हमें और भी काम करना है। जितने भी हमारे कंट्रोलर्स है उसको हमें कनेक्ट करना है हमारे राउट्स से। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हमें ये काम करना है, क्यों हमारे राउट्स हमें कंट्रोलर से कनेक्ट करने हैं। तो ये समझने के लिए चलते हैं फिर से हमारे टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ पे web.js के अंदर देखिए, समझ लीजिए कि ये हमारा राउट है रजिस्टर का, राइट। यहाँ पे सिंपली हम अभी क्या कर रहे हैं, जो हमारा HTML है register.ejs इसको हम रेंडर कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ गेट रिक्वेस्ट। अभी जब भी हम जो रजिस्टर का लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह का और एक राउट होगा, और ये होगा पोस्ट राउट, और फिर यहाँ पे हमें पूरा लॉजिक लिखना होगा जो भी रजिस्ट्रेशन का लॉजिक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी लॉजिक है यहाँ पे होगा, कोड होगा पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कि ये जो लॉजिक है ये बहुत बड़ा हो, शायद यहाँ पे 10-15 लाइंस जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम देख रहे हो, वो सेम प्रॉब्लम है जो हमारे सर्वर जो फाइल थी उसके साथ हो रहा था कि फाइल बहुत बड़ी हो जाती है। और यहाँ पे ये हमारी राउट फाइल है, तो ये लॉजिक हमें यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। ये अगर राउट फाइल है तो इसके अंदर हमें सिर्फ रखने हैं राउट्स, और जो हमारा लॉजिक है उसको हम मूव करेंगे कंट्रोलर्स के अंदर, ताकि ये जो हमारी राउट फाइल है ये थोड़ी सी रहे क्लीन और छोटी। अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिर से, जब भी रजिस्टर करेंगे तभी ये राउट लिखेंगे, अभी फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए ये। और अभी क्या करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ और चलते हैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर, HTTP और कंट्रोलर्स। देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर बनाया था, अभी इसके अंदर जो हमारे कंट्रोलर्स है वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला कंट्रोलर मैं यहाँ पे बनाता हूँ और इसको नाम देते हैं होम कंट्रोलर। देखिए यहाँ पे कंट्रोलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन हम यहाँ पे रखेंगे ताकि हमें फाइल को देख के पता चले कि ये कंट्रोलर है, तो इसलिए मैंने इसको होम कंट्रोलर इस तरह से नाम दिया है .js। ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने web.js के अंदर किया था जो फंक्शन बनाए थे, तो यहाँ पे भी मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और इसको नाम देते हैं
देखिए इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट जो है वो रहना है। तो इसको मैं सेम नाम दूंगा जो हमारा फाइल का नाम है, होम कंट्रोलर, और ये होगी एक फंक्शन। तो इस तरह से मैंने इसको ओपन कर दिया। और अभी देखिए, अभी जो यहाँ पे हम चीज़ करने जा रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, और वो है फैक्ट्री फंक्शंस। तो फैक्ट्री फंक्शन के बारे में आपने ऑलरेडी सुना ही होगा शायद, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक प्रोग्रामिंग का पैटर्न है, और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके अंदर, ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस के अंदर ये फैक्ट्री पैटर्न जो है वो यूज़ हम कर सकते हैं। और स्पेशली जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्लोजर्स यूज़ करते हैं, और क्लोजर्स की मदद से आप बहुत ही पावरफुल चीज़ें कर सकते हो। अभी क्लोजर्स क्या है इसके बारे में मुझे एक अलग से वीडियो बनाना होगा, क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो उस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्लोजर्स क्या होते हैं और क्लोजर्स को हम कैसे काम में ले सकते हैं। तो अभी फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पे, हम बात कर रहे थे फैक्ट्री फंक्शंस की। तो फैक्ट्री फंक्शन क्या होती है, ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएशनल पैटर्न है। फैक्ट्री, अगर जनरल फैक्ट्री का अगर एग्जांपल ले लें, तो फैक्ट्री में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो होती है प्रोड्यूस या फिर बनाई जाती है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, जो फैक्ट्री फंक्शन है वो भी बनाती है क्या, ऑब्जेक्ट। तो फैक्ट्री फंक्शन मतलब क्या है, एक सिंपल फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करती है एक ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये एक फंक्शन होती है जो रिटर्न करती है ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, क्या रिटर्न, ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हो गया। और अभी देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें क्रिएट करना है या फिर बिल्ड करना है। अभी देखिए यहाँ पे डील क्या है कि हमने यहाँ पे कंट्रोलर बना दिया, और कंट्रोलर के अंदर हम कुछ मेथड्स बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि ये जो कंट्रोलर है हमारा, इसके अंदर हमें कौन सी मेथड्स रखनी है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम कुछ मेथड्स को ग्रुप करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हो इसको स्टोर करने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमने होम कंट्रोलर क्यों बनाया। तो अगर web.js के अंदर आप देखोगे, ये हमारे पास एक राउट है जो कि सिर्फ हमें दे रहा है जो हमारा होम पेज है। तो इस राउट के लिए हमने ये कंट्रोलर बनाया है, होम कंट्रोलर। तो अभी यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, जितना भी लॉजिक होगा हमारा यहाँ पे, अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ जाएगा, जितना भी लॉजिक है ये हमें रखना है हमारे कंट्रोलर के अंदर, एक मेथड के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे भी फिर से नेमिंग कन्वेंशन है, ये इसके अंदर जितने भी मेथड्स हम बनाएंगे इसको किस तरह से हमें नाम देना है। तो बेसिकली ये हमारा एक क्रड कंट्रोलर होगा। अभी क्रड क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये जो सारे ऑपरेशंस है, जैसे कि रिसोर्स को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना या फिर उसको फेच करना, ये हर एक जो ऑपरेशन है उसको अलग अलग मेथड के अंदर हम रखते हैं, और उसको हम बोल सकते हैं क्रड कंट्रोलर। तो यहाँ पे इस राउट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम सिंपली जो हमारा होम पेज है उसको रीड कर रहे हैं, राइट। तो इसका भी एक नेमिंग कन्वेंशन है, अगर आप पेज रीड कर रहे हो तो सिंपली आप यूज़ कर सकते हो इंडेक्स मेथड, ज़रूरी नहीं है ये करना है, लेकिन ये एक नेमिंग कन्वेंशन है या फिर आप गुड प्रैक्टिस कह सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा, इसको नाम देते हैं इंडेक्स। जावास्क्रिप्ट में आप इस तरह से कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी की हो गई, अभी यहाँ पे हमें वैल्यू देनी है। तो वैल्यू हमारी क्या है, ये एक फंक्शन हमें बनानी है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन इस तरह से इसको ओपन करूँगा। तो ये जो हमारी इंडेक्स की है उसके अंदर ये जो फंक्शन है ये स्टोर हो जाएगी जो कि हमें चाहिए। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अभी चल रहा है 2020, अभी दुनिया तो मॉडर्न हो गई, तो हमें भी थोड़ा सा मॉडर्न होना होगा। जो जावास्क्रिप्ट के नए फीचर्स है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये फंक्शन जो है उसको हटा सकते हो, ये जो कोलन है उसको भी आप हटा सकते हो, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो जो हमने अभी इससे पहले जो लिखा था, ये और ये वाला सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये देखिए ये थोड़ा सा क्लीन लगता है। और अभी इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे रेस हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और उसके ऊपर रेंडर मेथड कॉल कर रहे हैं।
ये हमें यहाँ पे कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे तो हमें रिसीव हो रहा है इस फंक्शन से, देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो रहा है और इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ से लाएंगे इसको? अभी देखिए अगले जो 5 मिनट है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। अभी देखिए ये जो रिस्पॉन्स है ये कहाँ से हमें मिलेगा, तो इसको समझने के लिए चलते हैं फिर से हमारे web.js के अंदर और यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली ये हमारा इंस्टेंस है ऐप, इसके ऊपर हमने एक मेथड कॉल की है या फिर फंक्शन या फिर मेथड कह सकते हो, क्योंकि मेथड किसको बोलते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फंक्शन होती है ऑब्जेक्ट के अंदर उसको हम मेथड बोल सकते हैं, लेकिन वो एक फंक्शन ही होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गेट मेथड यहाँ पे कॉल किए हैं, उसमें 2 पैरामीटर हमने पास किए हैं। जो पहला पैरामीटर है वो है ये वाली स्ट्रिंग जिसमें हमने स्लैश दिया हुआ है, और देखिए दूसरा पैरामीटर है वो है एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है इसका कोई नाम नहीं है। अभी इतना क्लियर हुआ, हमने यहाँ पे गेट मेथड कॉल की, उसको हमने 2 पैरामीटर पास किए, एक जो है वो है स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप कॉमा देख सकते हो, मतलब यहाँ से दूसरा पैरामीटर स्टार्ट होता है, और जो दूसरा पैरामीटर है वो है एक फंक्शन, बिना नाम की फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए ये जो सेकेंड पैरामीटर है उसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसके नीचे आके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए अभी एक ही पैरामीटर हमारे पास बचा हुआ है, और अभी देखिए अभी मेन कन्फ्यूजन वाला काम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा जो सेकेंड पैरामीटर है वो है एक फंक्शन, और उसके अंदर हमें रिसीव हो जाता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये 2 पैरामीटर यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं। कहाँ पे? ये जो सेकेंड पैरामीटर है जो कि है एक फंक्शन। अभी मैं क्या करूँगा, अभी चलते हैं फिर से हमारे होम कंट्रोलर के अंदर, और ये एक मॉड्यूल है Node.js, कोई भी फाइल मॉड्यूल, तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा module.exports, और अभी मैं एक्सपोर्ट करूँगा जो हमारा कंट्रोलर है। देखिए यहाँ से क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब भी उसको हम कॉल करेंगे वो क्या करेगी, हमें रिटर्न करेगी ये वाला ऑब्जेक्ट। ओके इतना क्लियर है, अभी करते हैं इसको कॉल। कहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली Node.js में हमें यूज़ करना होता है रिक्वायर, और इसके अंदर हमें पाथ देना है जो भी कंट्रोलर का है। तो हम यहाँ पे अभी कहाँ पे हैं, देखिए राउट्स फोल्डर के अंदर है, और जो हमारा कंट्रोलर है वो है यहाँ पे ऐप, बाद में HTTP, बाद में कंट्रोलर्स। अभी यहाँ पे अगर देखोगे आप, देखिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सबसे पहले तो हम इस फोल्डर के अंदर है, इससे बाहर हमें आना होगा, तो फोल्डर से एक फोल्डर बैक आने के लिए आपको करना होता है 2 डॉट और स्लैश। अभी हम आ गए हमारे रूट फोल्डर के अंदर, अभी हमें जाना है ऐप फोल्डर के अंदर, देखिए ऐप, यहाँ पे ऐप मैंने लिख दिया, उसके बाद हमें जाना है HTTP फोल्डर के अंदर, और उसके बाद हमें जाना है कंट्रोलर्स के अंदर, और फिर इसके अंदर है हमारा होम कंट्रोलर। इस तरह से हमने इसका जो रिलेटिव पाथ है वो यहाँ पे दे दिया। अभी यहाँ पे ये जो रिसीव हो रहा है इसको हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, और इसको नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैं यहाँ पे सेम नाम दे रहा हूँ होम कंट्रोलर, और इसको मैंने स्टोर कर दिया। अभी थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, यहाँ पे हमें क्या रिसीव हो रहा है, यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है जो भी हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ से हमने क्या एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करती है, सिंपली हमें रिटर्न करती है ये ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हमें कभी रिटर्न करेगी, जब भी हम इसको कॉल करेंगे, तो चलिए इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया, मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा अभी इसकी जगह, फंक्शन कॉल करने के बाद ये ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है हमारे पास इंडेक्स, तो
कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें कोई मेथड कॉल करनी है या फिर कोई प्रॉपर्टी कॉल करनी है तो हमें क्या करना होता है, देना होता है एक डॉट, और उसके बाद जो भी मेथड का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हमारे पास कौन सी है, इंडेक्स, इस तरह से कर दिया। और अभी क्या करूँगा, देखिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इंडेक्स क्या है फिर से याद दिलाता हूँ आपको, ये इंडेक्स क्या है, एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है। अभी देखिए, अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको डालता हूँ। अभी क्या होगा, देखिए ये जो है ये भी एक फंक्शन है और यहाँ पे आपने देखा ये भी एक फंक्शन है, और हमें पता है कि यहाँ पे जो फंक्शन हम पास करते हैं उसमें हमें रिसीव हो जाता है क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ पे हमने देखा ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन दे दी, ये फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें रिसीव हो जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम जो रेस है ये हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको अगर एक दो बार फिर से देखोगे ये लास्ट के 5 मिनट जो हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। और देखिए ये राउट कुछ इस तरह से हमारा अभी दिखेगा, और अब जितना भी लॉजिक है हमारा हम इस मेथड के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अभी इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको सेव करते हैं और वेब फाइल को भी सेव करते हैं। और अभी जाते हैं इस राउट पे, ये स्लैश है मतलब होम पेज है हमारा, तो चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। और होम पेज मतलब क्या है, ये सिंपल एंटर, और ये देखिए यहाँ पे हमारा होम पेज काम कर रहा है, मतलब जो हमारा राउट है और जो कंट्रोलर है इनका कनेक्शन अच्छे से बन गया। और अभी देखते हैं बाकी के जो राउट्स है उनके लिए भी कंट्रोलर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन और रजिस्टर है, तो मैं इसके लिए एक अलग सा कंट्रोलर बनाऊंगा। अभी ये जो कंट्रोलर है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर और एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इसको नाम देते हैं ऑथ कंट्रोलर। जितना भी ऑथ रिलेटेड लॉजिक होगा वो पूरा हम इसके अंदर रखेंगे, तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। तो सिंपली अभी क्या करेंगे, देखिए मैं जाता हूँ होम कंट्रोलर के अंदर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, यहाँ पे रिनेम करेंगे ऑथ कंट्रोलर। अभी यहाँ पे देखिए ये जो इंडेक्स है यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, ये लॉगिन और रजिस्टर है हमारे पास, तो इस मेथड को मैं नाम देता हूँ लॉगिन। और यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, देखिए लॉगिन के अंदर क्या कर रहे हैं, ये वाला जो काम है वो कर रहे हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। और इसी के साथ में और एक मेथड मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा इस तरह से, और आपको यहाँ पे देना है कोमा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसको नाम देते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर में हमें क्या करना है, सिंपली ये जो है ये कॉल करना है। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और ये पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे फाइनली इसको हमें एक्सपोर्ट करना है ऑथ कंट्रोलर। और अभी चलते फिर से web.js के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो है ये फंक्शन हटाएंगे, इसकी जगह हमें कौन सी फंक्शन देनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथ कंट्रोलर। देखिए ये अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया है, अभी करेंगे इसको थोड़ी देर में, इसको हम कॉल करेंगे, जैसे इसको कॉल करेंगे हमें रिटर्न हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर हम कॉल कर सकते हैं मेथड्स। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास दो मेथड्स है अभी, लॉगिन है और रजिस्टर है, तो यहाँ पे ये लॉगिन वाला है तो मैं यहाँ पे और इसको इंपोर्ट भी कर देते हैं। देखिए इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इसको करते हैं ऑथ, ये हमारा है ऑथ कंट्रोलर। और अभी देखिए ये हो गया लॉगिन, और रजिस्टर के लिए अभी क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये ऑथ कंट्रोलर, इसको मैंने कॉल कर दिया, हमें रिसीव हुआ ऑब्जेक्ट। और जैसे कि हमने देखा ये रजिस्टर और लॉगिन जो है ये एक सिंपल फंक्शन है, और यहाँ पे हमने देखा ही है कि अगर सेकंड पैरामीटर ये फंक्शन है तो इसमें हमें रिसीव हो जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। लेकिन ये फंक्शन कहाँ पे है लोकेटेड, यहाँ पे इसके अंदर है,
तो यहाँ पे हमें रिसीव हो गया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए राउट कितने अभी क्लीन दिख रहे हैं हमारे, ये हो गया। और अभी इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। अभी जाते हैं रजिस्टर, और ये देखिए रजिस्टर राउट भी काम कर रहा है। अभी चलते हैं लॉगिन पे, और ये देखिए लॉगिन पेज भी आ गया, मतलब ये भी राउट्स हमारे काम कर रहे हैं। अभी और देखते हैं क्या है। देखिए कार्ट, ये कार्ट जो राउट है इसके लिए भी हमें अलग सा कंट्रोलर बनाना होगा, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे आते हैं फिर से HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, और अभी देखिए कार्ड जो है वो रिलेट करता है कस्टमर से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, और एक फोल्डर मैं क्रिएट करूँगा कस्टमर्स, और इसके अंदर जितने भी कस्टमर्स के कंट्रोलर्स है वो रखेंगे। और यहाँ पे फ्यूचर में और एक फोल्डर होगा, वो होगा एडमिन के लिए। एडमिन के रिलेटेड जितने भी राउट्स होंगे वो उस फोल्डर के अंदर रखेंगे। अभी कस्टमर के अंदर यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, और उसको नाम देते हैं कार्ट कंट्रोलर। जितना भी कार्ट का लॉजिक होगा हमारा, कार्ट को डिलीट करना है या फिर कार्ट में आइटम्स ऐड करने हैं, वो पूरा हमारा इस कंट्रोलर के अंदर होगा। तो कार्ट कंट्रोलर डॉट js, और इसके अंदर भी क्या, सिंपली इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं यहाँ पे, और इसको रिनेम कर देते हैं। देखिए ये है हमारा कार्ट कंट्रोलर, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा कार्ट कंट्रोलर। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो जो कार्ट पेज है हमारा, जो यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये जो कार्ट पेज है इसके लिए इंडेक्स मेथड ही इसका नाम रखते हैं। और सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर देखते हैं क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमारा व्यू है इसको हम रेंडर कर रहे हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर चलते हैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। और अब यहाँ पे इसको हमें इंपोर्ट करना है, देखिए इसको नाम देते हैं कार्ट कंट्रोलर, और ये हमारा है कंट्रोलर्स के अंदर। देखिए अभी कस्टमर नाम का फोल्डर है हमारे पास, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद कार्ट कंट्रोलर, ये यहाँ पे आ गया। और अभी क्या करेंगे, ये जो हमारी फंक्शन है इसको हम रिप्लेस करेंगे हमारे इस फंक्शन से। वो कैसे, सबसे पहले तो मैंने कंट्रोलर को कॉल किया, ये एक फंक्शन है, वो हमें रिटर्न करेगी ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये इंडेक्स फंक्शन है, तो उसके ऊपर मैं इंडेक्स कॉल करूँगा कैसे, डॉट इंडेक्स, तो ये फंक्शन यहाँ पे फिट हो जाएगी जाके, और उसके अंदर हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अभी देखिए ये हमारे राउट्स कितने क्लीन दिख रहे हैं। देखिए जो पूरा लॉजिक है अपने अपने फाइल्स के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर अभी डिवाइड हो गया। अभी मैं इसको सेव करूँगा और इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे जाने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पे, और अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये जो हमारा कार्ट है, और ये देखिए कार्ट पेज हमारा आ गया, मतलब ये भी राउट हमारा अभी काम कर रहा है। तो अभी हमारे राउट्स और कंट्रोलर्स कंप्लीट हो गए, तो चलते हैं अपने प्लान फाइल के अंदर और देखते हैं क्या बचा है। तो ये हमारी plan.txt है, और इसके अंदर देखिए ये काम हमने कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद कंट्रोलर्स भी बनाए, तो इसको भी ओके कर देते हैं। और अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी। लेकिन उससे पहले हमें जो हमारा होम पेज है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो ये जो सारे पिज़्ज़ास है ये हमें फेच करने होंगे डेटाबेस के अंदर से। अभी ये पूरा स्टैटिक है, यहाँ पे हमने हार्ड कोड किया हुआ है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि ये जो सारे मेन्यू आइटम्स है इसको डेटाबेस से फेच करेंगे। तो डेटाबेस से अगर फेच करना है तो हमें सबसे पहले तो एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी, तो जल्दी से चलते हैं और एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस के लिए हम लोग यहाँ पे MongoDB यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक टूल है, वो है कंपास। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है MongoDB के लिए। तो यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है क्रिएट डेटाबेस, और ये पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस का नाम आपको देना है, मैं अपने डेटाबेस का नाम देना चाहता हूँ पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा दे दिया। और यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के टाइम हमें एक टेबल जो है, या फिर कलेक्शन आप बोल सकते हो उसको,
वो हमें सबसे पहले क्रिएट करना होता है डेटाबेस के साथ में। तो यहाँ पे जो हमारे मेन्यू आइटम्स है उसके लिए एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे और उसको नाम देते हैं मेन्यूज़। और अभी यहाँ पे करेंगे क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा पिज़्ज़ा डेटाबेस है, ये क्रिएट यहाँ पे हो गया और इसके अंदर एक कलेक्शन है मेन्यूज़। इसके अंदर हमें जितने भी हमारे मेन्यू आइटम्स है वो इंसर्ट करने हैं। तो ये जो सारे मेन्यू आइटम्स है इसको यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो हम एडमिन पैनल क्रिएट कर सकते हैं, तो फ्यूचर में जाके शायद इसको करेंगे। या फिर जो दूसरा ऑप्शन है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, मैन्युअली यहाँ पे जो मेन्यू है वो यहाँ पे हम इम्पोर्ट करेंगे जो पूरा डेटा है। तो इसको इम्पोर्ट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाना है आपको और मेरे पास एक फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हो menu.json। और इसके अंदर जितने भी हमारे आइटम्स है, देखिए कितने आइटम्स है हमारे पास, टोटल 8 आइटम्स है। तो यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हो आईडी है, नेम, इमेज, प्राइस और साइज। तो ये 8 जो रिकॉर्ड्स है वो हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। तो ये एक जेसन फाइल है, तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउज करना है कहाँ पे फाइल है। ये देखिए, ये हमारी फाइल है और जेसन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और इंपोर्ट। और ये देखिए डन हो गया, ये पूरा डेटा हमारा डेटाबेस के अभी अंदर स्टोर हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कि ये डेटा यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, अभी हमें हमारे होम पेज के ऊपर इसको फेच करके डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें डेटाबेस कनेक्शन देना होगा हमारे एप्लीकेशन को। तो हमें एक पैकेज की ज़रूरत होगी और वो है मोंगूज। तो उसके लिए चलना है हमें टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे टाइप करेंगे यार्न ऐड मोंगूज। तो ये मोंगूज की मदद से हम बहुत ही आसानी से जो MongoDB के साथ में जो इंटरेक्शन है वो कर सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन से। देखिए ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, अभी हमें करना है डेटाबेस कनेक्शन। तो उसके लिए चलते हैं अपने सर्वर फाइल के अंदर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और server.js ओपन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला काम है हमें मोंगूज जो है उसको इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर और इसके अंदर लिखना है आपको मोंगूज और इसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। तो const इसको नाम देते हैं मोंगूज। देखिए ये मोंगूज अभी यहाँ पे स्टोर हो गया हमारे वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे जो काम है हमारा डेटाबेस कनेक्शन का वो करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन। अभी डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक स्निपेट है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इससे हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा और आप भी ये जो स्निपेट है इसको कॉपी करके कहाँ पे तो रख सकते हो, क्योंकि हर टाइम जब भी हम MongoDB को कनेक्ट करते हैं तो सेम स्निपेट यूज़ होता है, तो इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। देखिए ये वो स्निपेट है और यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ये जो है ये सबसे पहले URL है, ये कनेक्शन URL है कहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। अगर आप क्लाउड बेस्ड DB यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे वो आपको URL प्रोवाइड करते हैं, तो वो URL आप यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो लोकल MongoDB है लोकल मशीन के ऊपर वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कनेक्ट करना होगा लोकल होस्ट से। देखिए ये आपको लिखना है MongoDB/localhost और उसके बाद जो डेटाबेस का नाम है वो देना है। तो हमने पिज़्ज़ा नाम से डेटाबेस बनाया, तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे मोंगूज जो ऑब्जेक्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर कनेक्ट मेथड कॉल कर रहे हैं और इसमें दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। देखिए ये URL जो पहला पैरामीटर है जो कि ये है, और दूसरा पैरामीटर है एक ऑब्जेक्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे MongoDB के लिए। और उसके बाद हमने जो हमारा कनेक्शन है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, ताकि बाद में अगर हमें ज़रूरत होगी तो ये कनेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये हम यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर एक मेथड कॉल कर रहे हैं वंस, और ये थोड़ा सा इवेंट लिसनर टाइप का होता है। तो यहाँ पे ओपन टाइप की इवेंट हम लिसन करेंगे, मतलब अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो ये इवेंट कॉल हो जाएगी। और जैसे ये कॉल हो जाएगी तो ये जो सेकेंड कॉल बैक है, देखिए ये सेकेंड पैरामीटर जो कॉल बैक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो
जैसे डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं कि डेटाबेस कनेक्टेड, ताकि हमें पता चले भाई डेटाबेस अच्छे से कनेक्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और कनेक्शन में अगर कुछ एरर आ जाती है तो यहाँ पे कैच के अंदर हम इसको कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग किया है कनेक्शन फेल्ड, ताकि हमें पता चले कि कनेक्शन हो नहीं पाया। ओके, तो ये सिंपल कनेक्शन है। यहाँ से मैं स्पेस हटा देता हूँ थोड़ी सी। देखिए अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा, अगर डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो जाता है तो ये कंसोल लॉग हमें कंसोल के अंदर दिखना चाहिए। तो मैंने इसको अभी सेव कर लिया और चलते हैं टर्मिनल में। यहाँ पे ये हमारा टर्मिनल है और आप नीचे देख सकते हो डेटाबेस कनेक्टेड, मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है जो मेन्यू आइटम्स है उसको हमें फेच करना है। लेकिन डेटाबेस के साथ में देखिए MongoDB के साथ में काम करना है, तो हम यहाँ पे मोंगोस यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो मोंगोस में मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स नाम का एक कंसेप्ट होता है, तो इन मॉडल्स की मदद से हम डेटाबेस क्वेरी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, अगर मेन्यूज़ हमें फेच करने हैं जो मेन्यू आइटम्स है उसके लिए हमें एक मॉडल बनाना होगा। तो उसके लिए चलते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर में और ऐप के अंदर। देखिए यहाँ पे मॉडल्स नाम का फोल्डर हमने बना के रखा था, जितने भी हमारे मॉडल्स होंगे वो सब इसके अंदर आएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक फाइल मैं क्रिएट करता हूँ और इसको नाम देते हैं menu.js। तो ये हमारा मेन्यू मॉडल होगा। तो ये जो मॉडल होता है ये रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसको। तो यहाँ पे हमने मेन्यू नाम का अगर मॉडल हम बना रहे हैं तो डेटाबेस के अंदर उसका प्लूरल नाम का टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर मॉडल का नाम मेन्यू है तो डेटाबेस के अंदर टेबल होना चाहिए मेन्यूज। ओके, ये हमेशा याद रखिए, मॉडल होता है सिंगुलर और टेबल का नाम होता है, या फिर यहाँ पे MongoDB के अंदर हम इसको कलेक्शंस बोलते हैं टेबल्स को, तो वो होता है प्लूरल। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो मंगूस है उसको मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट मंगूस को यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया। और मंगूस के अंदर से हमें और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन या फिर आप क्लास बोल सकते हो वो हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं स्कीमा, और मंगूस के अंदर से ये हमें मिल जाएगा। देखिए मंगूस डॉट स्कीमा आपको इस तरह से करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल किया है, इसका मतलब देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नेमिंग कन्वेंशन है, अगर जो पहला लेटर है ये अगर कैपिटल है तो इसका मतलब कि ये जो चीज़ है इसके अंदर जो सेव होने वाली है वो एक तो है क्लास या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो जो क्लास या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन होती है उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से कॉल करते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे इसको कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है न्यू, और ये जो है इसको यहाँ पे डालना है न्यू स्कीमा, इस तरह से आपको इसको कॉल करना है। और इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसके अंदर पूरा हमारा स्ट्रक्चर होगा कि डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शन है, जो डॉक्यूमेंट है हमारा, वो कैसे दिखना चाहिए इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिस्ट करनी कि कौन से कॉलम्स हमें चाहिए टेबल्स के अंदर, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होगी उस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये मेन्यू आइटम है, जल्दी से आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपास पे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, आईडी। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाती है। ये देखिए नेम है, इमेज, प्राइस और साइज़, ये चार चीज़ें हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं नेम, देखिए, और इसकी जो वैल्यू है वो भी होती है एक ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमें पास करना होता है थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस फील्ड के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इसका टाइप यहाँ पे देना होता है, किस टाइप का ये फील्ड होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे ये रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे करते हैं ट्रू, ये रिक्वायर्ड है। और इसी तरह से चार बार यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं इमेज, प्राइस, साइज, तो इमेज, प्राइस, देखिए प्राइस ये होगी नंबर, ये स्ट्रिंग नहीं होगी, और साइज
ये जो साइज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इस टाइप की स्ट्रिंग है। और यहाँ पे इमेज अगर देखोगे तो इमेज हमारे पास इमेज यूआरएल है। यहाँ पे हमेशा याद रखिए, डेटाबेस के अंदर आपको रॉ इमेज या फिर जो रॉ डेटा होता है वो कभी भी स्टोर नहीं करना है। हमें स्टोरेज के अंदर इमेज अपलोड करनी है या फिर स्टोर करनी है, और फिर उसका जो यूआरएल है, उसका जो पाथ होता है, वो हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होता है हमेशा। तो यहाँ पे फिर से आते हैं, देखिए ये चारों आइटम्स यहाँ पे हमारे हो गए। अभी ये जो स्कीमा है इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, मेन्यू स्कीमा, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको नाम देता हूँ मेन्यू। और अभी हमें बनाना है मॉडल, ये जो बनाया हमने ये रहा हमारा स्कीमा, या फिर आप स्केलेटन कह सकते हो, या फिर ब्लूप्रिंट हमारे डॉक्यूमेंट की, या फिर बोल सकते हो अपने टेबल की जो डेटाबेस के अंदर है। अभी इस ब्लूप्रिंट से हमें बनाना है एक मॉडल, तो मोंगूस के ऊपर हमने कॉल किया मॉडल मेथड, और यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमें पास करने हैं। जो पहला पैरामीटर है वो है कि आपका मॉडल का नाम आपको क्या रखना है। अभी तक हमने मॉडल का नाम यहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेन्यू नाम का, देखिए फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो कैपिटल यहाँ पे रखिए हमेशा। अभी देखिए ये जो नाम है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोंगूस जब भी डेटाबेस के अंदर कलेक्शन क्रिएट करता है वो इस नाम को देखेगा। अगर ये मेन्यू है, ये सिंगुलर है, राइट, तो डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा मेन्यूज, जो प्लूरल है। यहाँ पे अगर मैं करूँगा प्रोडक्ट, तो डेटाबेस के अंदर हमारा कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा प्रोडक्ट्स। हमेशा ये मोंगूस यहाँ पे इसको देखेगा क्या नाम है हमारे मॉडल का। तो हमने ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर मेन्यूज नाम का कलेक्शन क्रिएट किया है। और जो सेकेंड पैरामीटर है वो है कौन सा स्कीमा हमें यूज़ करना है, तो मेन्यू स्कीमा हमें यहाँ पे यूज़ करना है इस तरह से। और फाइनली ये जो हमारा मॉडल है उसको हमें एक्सपोर्ट करना है, ताकि हम हमारे कंट्रोलर के अंदर इसको इंपोर्ट करें और फिर वहाँ से हम डेटाबेस क्वेरी रन करें। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और हमें पास करना है ये मेन्यू इस तरह से। या फिर अभी देखिए मेन्यू यहाँ पे हमने वेरिएबल बना दिया, लेकिन इसका यूज़ हमें एक ही जगह पे हो रहा है, तो इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर ये लाइन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हमने यहाँ पे इस तरह से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अभी इसको सेव करते हैं और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी क्लोज़ करते हैं। और अभी देखिए हमें होम पेज के ऊपर जो सारे आइटम्स है उसको फेच करना है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल है हमारे होम पेज के लिए। तो HTTP के अंदर आपको याद ही होगा हमने होम कंट्रोलर यहाँ पे बनाया था, और ये होम कंट्रोलर जो है ये हमें यहाँ पे देख सकते हो आप होम पेज रेंडर करता है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटाबेस क्वेरी करेंगे, डेटाबेस से सारे आइटम्स फेच करेंगे, और फिर यहाँ पे हम इसको इस तरह से पास कर सकते हैं ताकि ये हमें फ्रंट एंड पे मिले, फिर वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। इसको मैंने हटा दिया, ये हटा देता हूँ। सबसे पहले हमें अगर डेटा फेच करना है तो हमें मॉडल की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे रिक्वायर करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं जो हमने मेन्यू मॉडल बनाया था, तो कॉन्स्ट, और इसको नाम देते हैं मेन्यू रिक्वायर, और यहाँ पे रिलेटिव पाथ हमें देना होगा, एक फोल्डर ऊपर जाना होगा और उसके बाद और एक फोल्डर बाहर आना होगा, और फिर मॉडल्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर है मेन्यू, ये यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे मेन्यू हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमें मेथड कॉल करनी है, वो है फाइंड। तो जो फाइंड मेथड है, अगर डेटाबेस से हमें पूरा डेटा चाहिए, सारे रिकॉर्ड्स, तो हम यहाँ पे फाइंड जो मेथड है वो कॉल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको लिखना है देन, और इसके अंदर होती है या फिर पास करनी होती है हमें एक फंक्शन, जो कि एग्जीक्यूट हो जाती है कभी जैसे हमारा डेटा रिसीव हो जाता है, और इसके अंदर हमें मिल जाता है पूरा डेटा। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं पिज़्ज़ास, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, हम यहाँ पे पिज़्ज़ास गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ास नाम दे दिया। और फिर यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ
और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। और इसके अंदर सेकेंड पैरामीटर हमें अभी देना होगा। सबसे पहले तो एक की यहाँ पे क्रिएट करते हैं पिज़्ज़ास, और इसके अंदर हमें पास करने हैं सारे हमारे पिज़्ज़ास। देखिए फ्रंट एंड के ऊपर हमें रिसीव हो जाएगा ये वेरिएबल पिज़्ज़ास, उसके अंदर क्या होगा ये वाले पिज़्ज़ास होंगे जितने भी सारे आइटम्स है। तो ये जो पिज़्ज़ास है ये हमारा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो जितने भी हमारे मेन्यू आइटम्स है इसका ये एरे होगा। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड्स है वो फेच हो रहे कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग और पिज़्ज़ास, देखिए इस तरह से। अभी इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आते हैं टर्मिनल में। देखिए यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड हमें अभी तक नहीं दिख रहा है, और वो क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि देखिए डेटा हमारा यहाँ पे फेच हो रहा है, और ये मेथड कभी कॉल हो रही है जब भी हम हमारे होम पेज पे जाते हैं, जब भी हमारा होम पेज जो स्लैश राउट है उसको अगर हिट करते हैं तभी ये मेथड यहाँ पे कॉल होगी, और फिर डेटाबेस क्वेरी जो है रन हो जाएगी और यहाँ पे हमें पिज़्ज़ास मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं होम पेज पे और यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश। ये रिफ्रेश हो गया, हमने जो स्लैश राउट है वो हिट कर दिया, इसका मतलब ये मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट अभी हुई होगी। और अभी अगर चलते हैं टर्मिनल में, यहाँ पे देखिए हमें पूरा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे सारे आइटम्स है, टोटल 8 आइटम है हमारे पास डेटाबेस के अंदर, ये सारे यहाँ पे फेच हो गए। ओके अभी यहाँ पे फिर से आते हैं। देखिए ये एक तरीका है इसको फेच करने का, या फिर इससे भी एक बेटर तरीका है, या फिर आप इसको कह सकते हो क्लीनर तरीका है, और वो है एसिंक अवेट। वो कैसे यूज़ करना है आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले तो एक वेरिएबल हमें बनाना है, और ये वेरिएबल होगा जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स जो रिसीव हो रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे पिज़्ज़ास रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया पिज़्ज़ास, और इसके आगे आपको लिखना है मेन्यू डॉट फाइंड इस तरह से। लेकिन यहाँ पे और एक कीवर्ड हमें लिखना होगा, वो है अवेट, इस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पे फिर देखिए ये जो है ये लाइन यहाँ पे इसके नीचे आएगी इस तरह से। अभी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, वो एक जैसे काम करेगी, लेकिन ये थोड़ा तरीका थोड़ा सा मुझे क्लीनर लगता है। अभी देखिए अभी तक ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे अवेट यूज़ किया है, और अवेट अगर हमें यूज़ करना है तो जो फंक्शन होती है जिसके अंदर ये कोड है वो फंक्शन होनी चाहिए हमारी एसिंक्रोनस। तो फंक्शन को एसिंक बनाने के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, फंक्शन का जो नाम है उससे पहले हमें लिखना होता है एसिंक, और फिर ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं अभी सेव करता हूँ, और टर्मिनल में यहाँ पे करते हैं क्लियर, और अभी फिर से चलते हैं होम पेज पे और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। ये कर दिया रिफ्रेश, और टर्मिनल के अंदर देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कंसोल लॉग हटा दिया। ओके इसको कंसोल लॉग फिर से करते हैं, कंसोल लॉग पिज़्ज़ास सेव, देखिए अभी तक नहीं है, रिफ्रेश, और ये देखिए फिर से वही जो रिज़ल्ट है वो हमें मिल रहा है। तो अभी क्वेरी यहाँ पे रन हो गई, अभी फ्रंट एंड के ऊपर हमें इसको डिस्प्ले करना है हमारे पेज के ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे ये कंसोल हटा देता हूँ, इसको क्लोज करते हैं और हमारा होम पेज ओपन करते हैं। तो होम पेज हमारे सारे व्यूज़ है रिसोर्सेस के अंदर व्यूज़, और ये रहा हमारा होम पेज। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा जो है डेटा हमने हार्ड कोड किया था, देखिए कॉपी पेस्ट किया था पूरा। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, अभी सब डेटा जो है वो डिलीट करते हैं, एक ही सिंपली रखेंगे यहाँ पे। अभी देखिए टोटल 8 आइटम्स है हमारे पास, ये देखिए अभी इसको सभी को मैं डिलीट करूँगा, एक ही आइटम यहाँ पे रखूँगा। तो उसके लिए आते हैं यहाँ पे, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला एक ब्लॉक है और उसके बाद ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऊपर वाला मैं रख देता हूँ, और बाकी के जो है सबको मैं फोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है, और फिर एक बार फोल्ड होने के बाद इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी ये जो ब्लॉक है एक ही ब्लॉक हमारे पास बचा है, तो एक ही पिज़्ज़ा हमें दिखेगा अभी यहाँ पे होम पेज पे। देखिए रिफ्रेश, ये देखिए दो दिख रहे हैं शायद, एक मिनट, और एक हमारा रह गया, ये देखिए और एक रह गया, इसको भी हटा देते हैं, सेव।
और ये देखिए अभी एक ही बचा यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे देखिए कि एक आइटम हमने यहाँ पे रख दिया, हमें बैकएंड से रिसीव हो रहा है क्या, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एरे अगर मिल रहा है तो हम इसको लूप कर सकते हैं और इसको ये जो ब्लॉक है इसको रिपीट कर सकते हैं। इसको रिपीट करेंगे और इसके अंदर का जो डेटा है वो डायनामिक करेंगे। कैसे आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो ब्लॉक है इसको हम रिपीट करने वाले हैं। देखिए ये वाला ब्लॉक है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखिए ये वाला ब्लॉक हमें रिपीट करना है। तो इसके ऊपर आपको आना है और यहाँ पे ये जो टैग्स है ओपन करने हैं। देखिए ये टैग्स है EJS के, यहाँ पे हम टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, हमने वहाँ से पिज़्ज़ाज़ नाम की सेंड की है, तो यहाँ पे हमें पिज़्ज़ाज़ नाम का वेरिएबल रिसीव हो जाएगा जिसके अंदर पूरे हमारे आइटम्स है, एरे है। तो ये अगर एरे है तो इसके ऊपर हम फॉर ईच लूप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली करेंगे फॉर ईच, आपको इस तरह से लिखना है, और इसमें हमें रिसीव हो जाती है एक फंक्शन। तो देखिए फंक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया और ये होगी एक फंक्शन, इस तरह से आपको लिखना है। और ये देखिए कुछ इस तरह का सिंटैक्स है, ये फॉर ईच मैंने लिख दिया और इसके अंदर एक फंक्शन मैंने पास की है। ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो भी करंट इटरेशन होगा उसका पिज़्ज़ा या फिर करंट इटरेशन, देखिए हमारे पास टोटल 8 आइटम्स है तो ये लूप चलेगा 8 बार। तो इसका हर एक जो इटरेशन है उसके अंदर हमें करंट पिज़्ज़ा जो है वो रिसीव हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इस फंक्शन के अंदर इस तरह से। और फिर इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा क्योंकि वो लूप के अंदर है। तो हमें क्या करना है, ये जो ब्लॉक है इसको रिपीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक को यहाँ से उठाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक हमारी जावास्क्रिप्ट है और फिर HTML स्टार्ट हो रहा है, तो ये मिक्स हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है क्लोज करना है आपको इस तरह से EJS से, ये जावास्क्रिप्ट, फिर आगे HTML स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे भी करते हैं इस तरह से, आपको ओपन करना है और इस तरह से क्लोज करना है। मतलब जावास्क्रिप्ट का जितना भी सिंटैक्स है वो हमें इस टैग्स के अंदर रखना है, HTML के अंदर उसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर इसको मैं अभी सेव करूँगा और ब्राउज़र में आते हैं, करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखिए कुछ एरर हमें दिख रही है, पिज़्ज़ा इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब हमने कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक कर दी। चेक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, और ये देखिए यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा लिखा है, हमें डेटाबेस से या फिर बैकएंड से रिसीव हो रहा है क्या, पिज़्ज़ास। एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, देखिए आपको फिर से दिखाता हूँ, ऐप HTTP कंट्रोलर्स और होम कंट्रोलर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेरिएबल है ये की सेम नाम का वेरिएबल हमें फ्रंट एंड पे रिसीव हो जाएगा। ये पिज़्ज़ास है तो हमें यहाँ पे भी पिज़्ज़ास इस तरह से हमें लिखना है। ऑलराइट, अब इसको सेव करते हैं और फिर से यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखिए ये हमारे सारे आइटम्स। अभी यहाँ पे नोटिस कीजिए, हमने अभी तक डायनामिक डेटा यहाँ पे डाला नहीं इसके अंदर। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो ये सेम है, 8 बार ये रिपीट हुआ है क्योंकि ये लूप के अंदर है। हमें क्या करना है, ये जो डेटा है इसके अंदर ये भी हमें चेंज करना है। तो वो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे हमें हर एक इटरेशन पे जो सिंगल पिज़्ज़ा है वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो इसको हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो इमेज है ये हमने हार्ड कोड किया है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह का सिंटैक्स आपको लिखना है, देखिए, और इसके अंदर लिखना है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर टेबल के अंदर देखेंगे, देखिए पिज़्ज़ा डॉट नेम, पिज़्ज़ा डॉट इमेज, पिज़्ज़ा डॉट प्राइस, इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा डॉट इमेज इस तरह से मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे ये पूरा URL बन जाएगा और हमारी इमेज दिखेगी, क्योंकि देखिए IMG फोल्डर के अंदर वो फाइंड करेगा कि ये ए इमेज दे दो, और ये इमेज कौन सी है, देखिए डेटाबेस के अंदर हमने डाली है pizza.png, और यहाँ पे देखिए पब्लिक IMG, और ये देखिए pizza.png हमारे पास है, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और अभी ये जो नाम है यहाँ पे सिंपली करते हैं, देखिए आपको करना है इस तरह का सिंटैक्स, और इसके अंदर लिखना है pizza.name। और अभी इसको कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे साइज़ हमें देनी है, तो पिज़्ज़ा डॉट साइज़ यहाँ पे लिखना होगा इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे प्राइस देनी है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो मनी साइन है वो इसी तरह से रखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अभी करते हैं पिज़्ज़ा डॉट प्राइस, देखिए। अभी इसको सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं। अभी देखिए डेटा यहाँ पे अभी तक सेम है। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो डेटा है वो हमारा डायनामिक हो जाएगा और हर एक पिज़्ज़ा का अलग अलग यहाँ पे डेटा होगा। देखिए रिफ्रेश, और ये देखिए हर एक पिज़्ज़ा यहाँ पे अलग अलग नाम है, अलग प्राइस है और अलग साइज़ है, क्योंकि ये अभी 100% हमारा डेटा फेच हो रहा है डेटाबेस से और यहाँ पर वो डेटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, तो ये भी काम हमारा अभी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने प्लान फाइल के अंदर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ प्लान। और ये देखिए ये कर दिया हमने फेच ऑल पिज़्ज़ास, और मेन्यू मॉडल भी हमने बना दिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कि जो हमारा कार्ट है उसको हमें कैसे स्टोर करना है और कहाँ स्टोर करना है। तो यहाँ पे कार्ट को स्टोर करने के बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उसमें से कुछ ऑप्शंस ये है। एक तो आप इसको ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो या फिर कुकीज़ के अंदर स्टोर कर सकते हो। और इसका जो बेटर ऑप्शन है वो है डेटाबेस, आप डेटाबेस के अंदर भी इसको स्टोर कर सकते हो। और इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप जो मेम कैश होता है या फिर रेडिस होता है उसके अंदर भी इसको स्टोर कर सकते हो, जो इन मेमोरी डेटाबेसेस होते हैं। या तो फिर आप इसको सेशंस के अंदर स्टोर कर सकते हो, जो कि हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारा जो कार्ट है हम इसको सेशंस के अंदर स्टोर करेंगे। अभी एक्सप्रेस के अंदर अगर सेशंस हमें यूज़ करने हैं तो हमें एक पैकेज की ज़रूरत होगी और वो है एक्सप्रेस सेशन। तो चलिए जल्दी से इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो उसके लिए चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पे आपको टाइप करना है यान एड एक्सप्रेस सेशन। देखिए ये पैकेज है, इसको हम अभी इंस्टॉल करेंगे। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, और अभी चलते हैं अपने सर्वर फाइल के अंदर, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा अभी सेशन का जो सेटअप है वो करना होगा। सबसे पहले तो जो हमारी जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की अभी अभी उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सेशन, इसको नाम देता हूँ, और हमें रिक्वायर करना है जो हमारी लाइब्रेरी है एक्सप्रेस सेशन। और अभी हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है सेशन के लिए उसको करेंगे। तो यहाँ पे डेटाबेस के नीचे आते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे सेशन कॉन्फ़िग। और यहाँ पे देखिए ये सेशन जो लाइब्रेरी है हमारी, ये काम करती है एज अ मिडलवेयर। तो एक्सप्रेस का अगर कोई भी मिडलवेयर हमें यूज़ करना है तो सिंपली हमें क्या करना होता है, ऐप डॉट यूज़, और इसके अंदर हमें देना होता है। तो हमारा है सेशन, इसको मैं कॉल करूँगा। यहाँ पे जो हमने इंपोर्ट किया है ये, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। ये एक फंक्शन है और इसके अंदर हमें अभी जितने भी ऑप्शंस है वो प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मैं पास करूँगा, थोड़ा नेक्स्ट लाइन पे इसको लेता हूँ ताकि ये फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा दिखे। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है सीक्रेट। अभी देखिए यहाँ पे ये जो सीक्रेट है ये हमें चाहिए होगा कुकीज़ के लिए, जो हमारी कुकीज़ है उसको हमें इनक्रिप्ट करना होगा। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें कुकीज़ क्यों चाहिए, ये तो सेशन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेशंस होते हैं वो कुकी के बिना काम नहीं करते हैं। सेशन को काम करने के लिए ज़रूरत होती है कुकी की, और अब थोड़ी देर में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये सेशंस कैसे काम करते हैं और जो कुकी है उसको कैसे हेल्प करती है इसको काम करने के लिए। और जो कुकीज़ होती है उसको हमें करना पड़ता है इनक्रिप्ट, और एनक्रिप्शन के लिए हमें चाहिए होती है सीक्रेट की। तो इसके लिए यहाँ पे हमने सीक्रेट की हमें देनी है। तो चलिए सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सीक्रेट देने के लिए आप कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हो, लेकिन देखिए अगर कोई भी सीक्रेट चीज़ है, आपके कोई पासवर्ड्स है या फिर कोई सीक्रेट की है, API कीज़ है, इसको आपको कभी भी ऐसे कोड के अंदर स्टोर नहीं करना है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या किया जाता है, एक फाइल बनाई जाती है जो कि हमारी होती है ENV फाइल या फिर एनवायरनमेंट फाइल आप इसको बोल सकते हो।
और उसके अंदर जो हमारे सारे वेरिएबल्स है उसको हमें स्टोर करना है। तो ये जो स्टोर होते हैं ये हमारे नोड के प्रोसेस के अंदर स्टोर होते हैं, हमारे एप्लीकेशन के बाहर। हमारे एप्लीकेशन को इसका एक्सेस भी होता है और हमारे एप्लीकेशन के अंदर उसको हम गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको अपने कोड के अंदर कभी भी नहीं लिखना है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या करना है। हमें इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, वो है .env। तो उसके लिए चलते हैं अपने टर्मिनल में और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है yarn add। अगर आप npm यूज़ कर रहे हो तो आपको लिखना होगा npm install और उसके बाद पैकेज का नाम, और पैकेज का नाम है .env। इस तरह से आपको लिखना है, एंटर करना है, तो ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और हमारी अभी नेक्स्ट स्टेप ये है, आपको जाना है आपके रूट फोल्डर में जो हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है और इसको नाम देना है। देखिए ये स्पेशल नाम है, यही नाम इस फाइल का होना चाहिए। यहाँ पे इसको नाम देते हैं .env, इस तरह से एंटर करेंगे। और इसके अंदर जितनी भी हमारी सीक्रेट चीज़ें हैं, जो भी पासवर्ड्स है या फिर API कीज़ है, सबको आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, कुकी सीक्रेट, इसको मैं नाम देता हूँ, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। और इस तरह से आपको करना है और इसके आगे आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। तो मैं इसको यहाँ पे एक की बनाता हूँ, तो कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे होनी चाहिए। मेरी जो स्ट्रिंग है वो ये है, दिस इज़ माय सीक्रेट। ओके, ये हमारा सीक्रेट है। अगर आप प्रोडक्शन में हो तो थोड़ा सा सीरियस यहाँ पे सीक्रेट जनरेट कीजिए। और यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको क्लोज करूँगा और चलते हैं अपने सर्वर फाइल के अंदर। और यहाँ पे ये अगर env फाइल जो है हमारी, उसको अगर हमें एक्सेस चाहिए हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो हमें एक मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे मैं करूँगा रिक्वायर, और जो मॉड्यूल का नाम है वो है .env जो हमने इंस्टॉल किया है, राइट, .env। और इसके ऊपर हमें एक मेथड कॉल करनी है, वो है कॉन्फिग। बस अभी ये लाइन के बाद आपके जितने भी वेरिएबल्स इस env फाइल के अंदर है उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करना है ये आपको मैं थोड़ी देर में अभी दिखाऊंगा। अभी चलते थोड़ा सा नीचे, देखिए यहाँ पे ये रहा। अभी इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं लिखना है इसको। देखिए env फाइल के अंदर जो भी हमें एक्सेस करना है उसको हमें करना पड़ता है इस तरह से, process.env, और इसके बाद हमें जो वेरिएबल का नाम है वो देना होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, कुकी सीक्रेट, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे आके इसको असाइन हो जाएगी। ओके, इतना सिंपल है। और अभी यहाँ पे इसके बाद हमें जो बाकी के ऑप्शंस है वो देने हैं, तो मैं यहाँ से जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बचे। तो यहाँ से मैंने सारे ऑप्शंस कॉपी कर लिए, यहाँ पे आता हूँ और इसको करता हूँ पेस्ट। देखिए इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, और अभी देखिए ये हमारा सीक्रेट हो गया। ये इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, आप ये इसको अलग वीडियो में डिटेल्स में मैं समझाऊँगा। और देखिए यहाँ पे इसको अभी फ़िलहाल निकाल देता हूँ, ये नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे हमने कुकी की जो लाइफ है वो यहाँ पे मेंशन की है, कि जो हमारी कुकी है कितने टाइम तक वो ज़िंदा रहनी चाहिए या फिर वैलिड रहनी चाहिए। तो ये जो मैक्सेज प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है टाइम मिली सेकेंड्स में। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये होता है 24 आवर्स के बराबर, 24 आवर्स। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो भी कुकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी हमारे सेशंस की कुकी, वो वैलिड रहेगी कितना, 24 आवर्स के लिए, मतलब एक दिन के लिए। तो इतना सिंपल है, और ये हमारा यहाँ पे कॉन्फिग जो है वो कंप्लीट हो गया सेशंस का। और अभी समझते हैं कि ये सेशंस हमारे कैसे काम करते हैं और जो कुकीज़ होती है उसको कैसे हेल्प करती है। तो इसको समझने के लिए हमें जाना होगा हमारे ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए ये सेशंस हमारे कैसे काम करते हैं। अभी समझ लीजिए कि ये हमारा लैपटॉप है या फिर PC, कंप्यूटर, जो भी आप इसको बोल सकते हो।
यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं हमारे सर्वर पे। ये हमारा सर्वर है और यहाँ से जैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पे सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है, उसमें देखता है कि हमें क्या चाहिए और फिर वो यहाँ से रिस्पॉन्स हमें भेज देता है। अभी हमें देखना है कि इसके बीच में सेशंस कैसे काम करते हैं। तो अभी समझ लीजिए कि यहाँ से मैंने एक रिक्वेस्ट भेज दी, समझ लीजिए कि ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है। तो जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी, देखिए अभी तक हमने रिस्पॉन्स नहीं भेजा है, यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट आ जाती है तो ये अगर पहली रिक्वेस्ट है तो सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता है। हर एक क्लाइंट का एक यूनिक आईडी होता है जिसको बोलते हैं हम सेशन आईडी, और इसको ये कुछ इस तरह से सेव करता है, की और वैल्यू। की जो होती है ये कुछ भी हो सकती है, देखिए नोड के अंदर कुछ अलग की होगी या फिर PHP अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर अलग की होगी, लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये यूनिक होती है हर एक क्लाइंट के लिए। अभी यहाँ पे जो सेशन आईडी है ये जनरेट हो गई, तो ये जो सेशन आईडी है इसको कहाँ पे तो सर्वर को स्टोर करना होगा। तो इसको स्टोर करने के बहुत सारे ऑप्शन है सर्वर के पास। जो पहला ऑप्शन है वो है ये वाला मेमोरी, जो सर्वर की मेमोरी है जिसको हम रैम भी बोलते हैं, उसके अंदर ये स्टोर कर सकती है एज अ ऑब्जेक्ट या फिर एरे। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा एप्लीकेशन प्रोडक्शन लेवल का है तो यहाँ पे हम मेमोरी जो रैम है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि मेमोरी, देखिए सर्वर जब भी रिस्टार्ट होगा तो पूरा जो सेशन है हमारा वो पूरा फ्लश हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो मेमोरी है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। तो अगर समझ लीजिए कि हमारे पास 1000-2000 बहुत सारे यूज़र्स हो गए तो ये मेमोरी हमें कम पड़ सकती है, और मेमोरी हमें लेनी है तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये है कि जो सेशन है हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर ना करे, कहाँ करे, फाइल्स के अंदर, जो नॉर्मल फाइल्स होती है उसके अंदर हम सेशन स्टोर कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। या फिर यहाँ पे इन मेमोरी स्टोरेज जो होते हैं जैसे कि रेडिस है या फिर मेम कैश है, उसके अंदर भी हम ये स्टोर कर सकते हैं। या फिर और एक ऑप्शन है वो है डेटाबेस, जो हमारा सेशन है वो हम हमारे डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम यही काम करने वाले हैं, जो हमारा सेशन है उसको हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सेशन है वो परसिस्ट हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, सर्वर रिस्टार्ट होने से वो फ्लश नहीं होगा। तो अभी सर्वर क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा डेटाबेस के अंदर जो भी हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। देखिए हम डेटाबेस यूज़ करेंगे तो डेटाबेस के अंदर ये जो हमारी सेशन आईडी है वो स्टोर हो जाएगी, और फिर सर्वर क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स है हमारा, रिस्पॉन्स के अंदर हेडर्स होते हैं, तो हेडर्स के अंदर एक मैसेज क्लाइंट के लिए भेजेगा, और उस मैसेज के अंदर सर्वर जो है क्लाइंट को बोलेगा कि ये सेशन आईडी है इसको ले लो और क्लाइंट पे एक कुकी क्रिएट करो और उसके अंदर उसको स्टोर करो जो भी हमारी सेशन आईडी है। और फिर जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी तो उसको ये जो हमारी कुकी है उसको सेंड करो हर एक रिक्वेस्ट के साथ में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी वहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं, तो उस हेडर के अंदर जो ब्राउज़र है हमारा ये सेंड करेगा जो हमारी कुकी है, और फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जब भी सर्वर को कुकी रिसीव हो जाती है तो सर्वर को पता चलता है कि ये क्लाइंट कौन सा है, क्योंकि उस कुकी के अंदर सेशन आईडी है जो यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर की है। तो बस यही मैकेनिज्म है। अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। अभी इसको टेस्ट करने से पहले हमें और एक पैकेज की ज़रूरत होगी और वो है एक्सप्रेस फ्लैश। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एक्सप्रेस फ्लैश, देखिए ये पैकेज है, ये हमें चाहिए होगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए चलते हैं अपने टर्मिनल में, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा यान ऐड एक्सप्रेस फ्लैश, एंटर, और ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये इंस्टॉल हो गया, और अभी हमें क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना है। तो चलते हैं अपने सर्वर फाइल के अंदर और यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्लैश, और यहाँ पे रिक्वायर एक्सप्रेस फ्लैश यहाँ पे लिखना है आपको, देखिए ये वाला एक्सप्रेस फ्लैश। और फिर इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे एज ए मिडलवेयर यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं ऐप यूज़, और इसके अंदर लिखना है सिंपली
जो फ्लैश है ये एक फंक्शन है, तो यहाँ पे इसको सिंपली कॉल करना है इस तरह से। अभी इसको सेव करेंगे और चलते हैं अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट डेव टूल हमें ओपन करना है और हमें जाना है एप्लीकेशन टैब के अंदर। यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे कोई भी कुकी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे कुकीज़ ऑप्शन है और इसके अंदर देखेंगे तो कोई भी कुकी हमारे पास अभी नहीं है। अभी यहाँ पे मैं पहली रिक्वेस्ट सेंड करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आते हैं हमारे नेटवर्क टैब के अंदर और यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब ये हमारी पहली रिक्वेस्ट होगी। देखिए रिफ्रेश और ये रिक्वेस्ट गई, ये हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट है। हर एक रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है रिस्पॉन्स हेडर्स और दूसरा होता है रिक्वेस्ट हेडर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए ये हमारा URL है जो हमने रिक्वेस्ट किए हैं और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हमने की है, स्टेटस कोड 304 मतलब ऑल ओके। और अभी चेक करते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स, यहाँ पे हमें देखना है कि कोई कुकी हेडर आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी कुकी हेडर नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी कुकी नहीं है, सारी कुकीज़ हमने क्लियर कर दी, इसलिए कोई भी कुकी हमारे रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ पे सेंड नहीं हुई रिक्वेस्ट के साथ में। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैसेज हमें दिख रहा है सेट कुकी, और उसके बाद में यहाँ पे है नाम उसका और यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अभी क्या हुआ इसको समझने के लिए आते हैं फिर से हमारे डायग्राम में। देखिए यहाँ से लैपटॉप से मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की, यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर के अंदर कोई भी कुकी हेडर नहीं था, कोई भी कुकी नहीं थी। तो सर्वर ने क्या किया, यहाँ पे एक नया सेशन जनरेट किया, एक जो सेशन आईडी है नई जनरेट की और इसको स्टोर कर दिया कहाँ पे, मेमोरी फाइल रेडीज डेटाबेस जो भी हमने कॉन्फ़िगर किया है। अभी हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है सेशन के लिए कहाँ पे उसको स्टोर करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेमोरी यूज़ करेगा। तो मेमोरी के अंदर उसने सेशन आईडी जो है वो स्टोर कर दी और फिर जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स हेडर के अंदर एक मैसेज भेजा, और वो मैसेज है कौन सा, ये वाला सेट कुकी। तो इसने क्लाइंट को बोला, मतलब ब्राउज़र को बोला कि एक कुकी सेट करो जिसका नाम रखो ये कनेक्ट डॉट सीड और उसके अंदर वैल्यू ये वाली दे दो जो आगे दिख रही है आपको। तो जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई, यहाँ पे ब्राउज़र ने चेक किया कि रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स हेडर्स ये ब्राउज़र रीड करता है, तो उसने ये मैसेज देखा कि सेट कुकी। अच्छा सेट कुकी मतलब सेट नई कुकी सेट करने को बोला है, तो ब्राउज़र ने एक कुकी सेट की जिसका नाम रखा कनेक्ट डॉट सीड और उसके अंदर ये वैल्यू जो है वो डाल दी। और अभी चेक करते हैं एप्लीकेशन फिर से, देखिए एप्लीकेशन टैप और ये कुकीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम है कनेक्ट डॉट सीड जो कि सर्वर ने बोला था, ये देखिए सेट कुकी कनेक्ट डॉट सीड। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे इसके अंदर ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपको दिख रही है ये वो वैल्यू है, देखिए ये वाली जो हमें यहाँ पे दिख रही है, देखिए इसके आगे है ये वाली। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है हमारी सेशन आईडी। तो हमारे ब्राउज़र ने क्या किया, यहाँ पे एक नई कुकी क्रिएट की और देखिए, और ये क्या करेगा अभी हर एक रिक्वेस्ट के साथ में ये कुकी भेज देगा सर्वर को, क्योंकि इसका काम ही यही होता है। अगर यहाँ पे कोई कुकीज़ है तो ब्राउज़र क्या करता है हर एक रिक्वेस्ट के साथ में जितनी भी कुकीज़ होती है वो सर्वर को भेजता है। अभी देखिए अभी क्या होगा अगर मैं सेकेंड रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड करता हूँ, एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट हेडर दिखाता हूँ जो पहली रिक्वेस्ट थी। यहाँ पर कोई भी कुकी हमें नहीं दिख रही, देखिए ये हमारा रिक्वेस्ट हेडर है, यहाँ पे कोई भी कुकी हेडर यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमारे पास कुकी थी नहीं पहले। अभी हमारे पास ऑलरेडी कुकी है, तो अभी अगर मैं सेकेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करूँगा तो क्या होगा, देखिए इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश, और ये देखिए ये नई रिक्वेस्ट हमारी गई और अभी जो रिक्वेस्ट हेडर है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुकी हेडर यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है जिसके अंदर सेम कुकी जो है वो ब्राउज़र ने फिर से सर्वर को भेजी, और ये हर एक रिक्वेस्ट के साथ में भेजते रहेगा कब तक, जब तक कुकी वैलिड है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सपायर्स उसका जो टाइम है जो हमने मेंशन किया था सर्वर फाइल के अंदर, देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया था 24 आवर्स का, देखिए ये हमारी कुकी जो है इसका एज है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 22nd है मतलब कल की डेट है और ये टाइम है कल का, मतलब अभी से बिल्कुल 24 आवर्स के बाद ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी। और फिर यहाँ पे अभी देखते हैं कि रिस्पॉन्स हेडर क्या है।
जो पहली रिक्वेस्ट थी उसके अंदर हमारे पास मैसेज था क्लाइंट के लिए कि सेट कुकी, ये कुकी सेट कर दो, ऐसा मैसेज था। लेकिन अभी जो रिस्पॉन्स हेडर है इसके अंदर वो मैसेज नहीं है। तो वो मैसेज क्यों नहीं है, तो इसको समझने के लिए फिर से हमें जाना होगा हमारे डायग्राम में। यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि जो पहली रिक्वेस्ट जाती है, पहली रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास कोई भी कुकी नहीं थी। तो यहाँ पे सर्वर ने क्या किया, यहाँ पे नया सेशन आईडी जो है वो जनरेट किया और फिर क्लाइंट को मैसेज भेजा कि एक कुकी सेट करो और उसके अंदर ये डेटा डाल दो। और जब भी हमने सेकेंड रिक्वेस्ट भेजी तो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट के अंदर कुकी हेडर था, तो यहाँ पे सर्वर फिर से इसको क्रिएट नहीं करेगा और यहाँ पे कोई भी मैसेज भेजेगा नहीं कि फिर से एक कुकी जनरेट करो, क्योंकि ये कुकी अभी तक वैलिड है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अभी देखिए, एक सवाल है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो सेशंस होते हैं वो कब तक वैलिड होते हैं। तो इसका जवाब ये है, जब तक ये हमारी कुकी जो है, यहाँ पे देखिए ये जो कुकी जब तक वैलिड है तब तक हमारा सेशन वैलिड होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्राउज़र अगर क्लोज़ किया तो सेशन एक्सपायर हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सेशन हमारा तब तक वैलिड है जब तक ये कुकी हमारी वैलिड है। और अभी देखिए, अभी फिर से आते हैं हमारे नेटवर्क टैब में, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, अभी फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो अभी क्या होगा, देखिए फिर से अगर देखेंगे तो रिस्पॉन्स हेडर के अंदर कोई भी मैसेज नहीं है क्योंकि कुकी ऑलरेडी हमारे पास है, और रिक्वेस्ट हेडर के अंदर फिर से हमने कुकी भेजी है। तो ये हर एक रिक्वेस्ट पे अभी सर्वर पे सेंड होती रहेगी। ओके, अभी एक बात यहाँ पे हमें हमेशा याद रखनी है, ये जो यहाँ पे लाइव सेट कर रहे हैं हम कुकी की, ये डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का एप्लीकेशन है। अगर आपका बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन है, जैसे कि बैंक के एप्लीकेशंस होते हैं, तो यहाँ पे 24 आवर्स की कुकी कभी नहीं रखनी है आपको। तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए ये जो कुकी है ये आपको थोड़ी सी कम रखनी है, जैसे 15 मिनट का सेशन हो गया या फिर 10 मिनट का, डिपेंड करता है कि कितना सिक्योर ऐप आपका है। ओके, अभी देखिए, अभी हम मेमोरी के अंदर सेशन हमारे स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, हमारे जो सेशंस है हमें स्टोर करने हैं डेटाबेस के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। तो अगर हमारे सेशंस हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करने हैं तो हमें उसके लिए एक पैकेज चाहिए होगा, और वो पैकेज है कनेक्ट मोंगो। तो चलते अपने टर्मिनल में, यहाँ पे करते हैं यान ऐड कनेक्ट मोंगो, एंटर, और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया। अभी इसको हमें क्या करना होगा, हमारे सर्वर फाइल के अंदर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट और एक वेरिएबल का नाम देते हैं, इसको मैं नाम रखना चाहता हूँ मोंगो डीबी स्टोर। ये हमारा सेशन स्टोर है, तो मोंगो डीबी स्टोर इस तरह से मैंने इसको नाम दे दिया। और हमें अभी रिक्वायर करना है, रिक्वायर कनेक्ट मोंगो। देखिए ये यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगी एक फंक्शन, इसको हम या फिर इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया इस तरह से, या फिर ये अगर फंक्शन यहाँ पे हमें रिसीव हो रही है तो आप सिंपली यहाँ पे इसको कर सकते हो इस तरह से, देखिए आगे, और इसके अंदर हमें पास करना है हमारा सेशन। देखिए ये सेशन वेरिएबल जो है ये हमें इसके अंदर पास करना है इस तरह से। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, अभी इसको थोड़ा सा हमें सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे करेंगे सेशन स्टोर, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है इस तरह से न्यू। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा मैंने M जो है ये कैपिटल रखा है, और ये हम कभी रखते हैं अगर जो भी वैल्यू इसके अंदर होती है, ये होती है या तो क्लास या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो उसको अगर कॉल करना है तो हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करना होता है, और इसके बाद ये लिखना है इस तरह से, और फिर इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि ये जो स्टोर है हमें कौन से डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, हमें कनेक्शन देना होता है। अभी देखिए यहाँ पे आप अलग से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी MongoDB का कनेक्शन यहाँ पे देखिए वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे करेंगे मोंगोस कनेक्शन, और यहाँ पे इसको कनेक्शन जो है वो पास करना है। देखिए ये हमारा कनेक्शन है इस तरह से मैंने दे दिया, और फिर हमें नाम देना है कि कौन सा कलेक्शन हमारा डेटाबेस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेगा और उसके अंदर जो सेशंस है वो स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा कलेक्शन,
और यहाँ पे नाम देना है कि किस नाम से ये हमारा टेबल होना चाहिए। तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये हमारे सेशंस है तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ सेशंस। तो हमारे डेटाबेस के अंदर अभी और एक टेबल या फिर कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा सेशंस नाम का, और उसके अंदर जो हमारे सेशंस है वो स्टोर हो जाएंगे। और ये जो हमारी सेटिंग है उसको हमें स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे नाम देते हैं मोंगो स्टोर। इस तरह से इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, और फिर जहाँ पे हमने हमारे सेशंस कॉन्फ़िगर किए थे यहाँ पे हमें ऑप्शन देना है कि स्टोर कौन सा है, मतलब ये सेशंस कहाँ पे स्टोर करने हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर, जो कि अभी तक हो रहा था। अभी यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि जो सेशन से हमारे इस स्टोर के अंदर स्टोर करो, कौन सा स्टोर, ये वाला। देखिए हमने यहाँ पे इसको सेव किया है मोंगो स्टोर, तो सिंपली यहाँ पे करना है स्टोर, और ये वाला मैंने मोंगो स्टोर जो है वो उसको प्रोवाइड कर दिया इस तरह से। तो अभी क्या होगा कि जितने भी सेशन से हमारे इस मोंगो स्टोर के अंदर सेव हो जाएंगे। और ये जो मोंगो स्टोर है ये क्या है, सिंपली देखिए ये कनेक्शन हमारा यूज़ कर रहा है, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है इसके अंदर ये क्रिएट करेगा एक टेबल या फिर कलेक्शन सेशंस नाम का। तो अभी चलते हैं और हमारा डेटाबेस सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कंपास है उसको ओपन कर देता हूँ, ये मोंगो कंपास यहाँ पे ओपन हो रहा है। देखिए इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और जो हमारा डेटाबेस था वो था पिज़्ज़ा। यहाँ पे देखिए सेशंस नाम का कलेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गया। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी रिक्वेस्ट भेजी नहीं है। अभी चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पे आते हैं, और अभी करता हूँ रिफ़्रेश। देखिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा, ये हमारी फिर से पहली रिक्वेस्ट होगी क्योंकि सर्वर यहाँ पे रिस्टार्ट हुआ है जब भी हमने फाइल सेव की। तो ये मेरी अभी पहली रिक्वेस्ट होगी। ये क्या करेगा, सर्वर अभी नया जो सेशन है वो क्रिएट करेगा और उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। देखिए रिफ़्रेश, ये हो गया, रिक्वेस्ट भेज दी। अभी चलते हैं डेटाबेस के अंदर और चेक करते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं अभी करूँगा रिफ़्रेश, और ये देखिए ये रहा हमारा सेशन। इसके अंदर आईडी है, ये एक्सपायर कभी हो रहा है सेशन वो है, और जो कुकी हमारी थी देखिए ये कुकी की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, जो कुकी हमने ब्राउज़र पे भेजी है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये कभी एक्सपायर होगी, और बाकी की इन्फॉर्मेशन है HTTP ओनली। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे अलग से सेशंस और कुकीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे डिटेल्स में सारे ऑप्शंस देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन अभी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, राइट। अभी इसकी एक ख़ास बात है, देखिए अगर सेशन हमारा एक्सपायर हो जाता है तो ये डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए चलते हैं हमारे सर्वर फाइल के अंदर, और यहाँ पर देखिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ सेकेंड लाइन पर। देखिए इस तरह से, देखिए अभी यहाँ पे जो मैक्स एज है मैं यहाँ पे चेंज करके इसको करता हूँ कुछ 10 सेकेंड का या फिर 15 सेकेंड का करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1000 मिली सेकेंड इंटू करते हैं 15, तो ये 15 सेकेंड यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। ये हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए अभी हमारी जो कुकी है ये रहेगी 15 सेकेंड तक। अभी यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, और देखिए ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी चेक करना है, तो इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ये हो गई डिलीट। अभी देखिए हमारे पास कोई भी यहाँ पे सेशन नहीं है, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, यहाँ पे मैं करूँगा रिफ़्रेश, ये हो गया, और अभी यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी कुकी हम जो सेशन है हमारा यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर वेट करते 15 सेकेंड का, देखिए मैं रिफ़्रेश करता रहूँगा, और ये 15 सेकेंड के बाद यहाँ से गायब होनी चाहिए। और ये देखिए ये कुकी हमारी ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो गई। तो ये सब पॉसिबल है जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था कनेक्ट मोंगो, उसकी वजह से ये हो रहा है। और अगर फिर से हम ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे नया सेशन क्रिएट हो जाएगा और 15 सेकेंड के बाद ये भी एक्सपायर हो जाएगा। अभी चलते हैं हमारे सर्वर फाइल के अंदर और इसको करता हूँ रिटर्न जैसा था, 24 आवर्स का यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कमेंट करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में पता चले। अभी हमारे सेशंस हो गए, कुकीज़ हो गई, अभी हमारा मेन काम है कि हमें
सेशन के अंदर हमारा कार्ट कैसे ऐड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। अभी इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र में। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, देखिए कोई भी आइटम अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो हमें क्या करना है, ये जो आइटम है हमें कार्ट के अंदर ऐड करना है। कार्ट के अंदर ऐड करना है मतलब यहाँ पे तो वो आ जाएगा, प्लस ये सेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर जो सेशन का डेटा है ये यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो अभी फिर से आते हैं हमारे होम पेज पे। ये रहा हमारा होम पेज। अभी ये जो बटन्स है इसके ऊपर हमें जो इवेंट लिसनर है वो ऐड करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक होने के बाद ही हमारा जो काम है आगे का वो होना चाहिए। तो ये पूरा क्लाइंट साइड कोड है, तो हमें अभी जाना होगा कहाँ पे, देखिए रिसोर्सेज के अंदर जेएस फाइल है और ऐप डॉट जेएस है हमारे पास यहाँ पे। अभी तक कोई भी क्लाइंट साइड कोड हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, अभी लिखेंगे। और अभी यहाँ पे जो हमारा होम पेज है उसको भी ओपन करते हैं। तो वो हमारा व्यूज़ के अंदर है, होम डॉट ईजेएस। और अभी हमारा जो बटन है यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड टू कार्ट, यहाँ पे क्लास हमने दिया हुआ है, तो इसको ही यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे आते हैं और जो सारे बटन्स है हमें सबके ऊपर इवेंट लिसनर ऐड करना है। तो सबसे पहले तो जो बटन्स है उसको गेट करते हैं। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं ऐड टू कार्ट, और इसको गेट करने के लिए सिंपली आपको करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना है, क्योंकि सारे बटन्स हमें चाहिए। और इसके अंदर आपको देना है कौन सा क्लास, ऐड टू कार्ट, इस टाइप का क्लास हमने वहाँ पे दिया है, तो इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी इसके अंदर ये होगा एरे टाइप। एरे टाइप मतलब जो सारे बटन से एज ए एरे यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसके ऊपर हम लूप कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखिए, ऐड टू कार्ट डॉट फॉर ईच, और ये होती है एक फंक्शन इसके अंदर, देखिए रिसीव हो जाती है हमें। यहाँ पे हर एक इटरेशन पे हमें जो सिंगल बटन है वो रिसीव हो जाएगा, और फिर इस बटन पे हमें जो इवेंट लिसनर है वो ऐड करना है। तो ऐड इवेंट लिसनर, और हमें क्लिक इवेंट लिसनर ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखना है क्लिक। और जो सेकंड पैरामीटर है वो होता है कॉल बैक, वो भी होती है एक फंक्शन। तो यहाँ पे हमें रिसीव हो जाती है इवेंट इसके अंदर। और यहाँ पे अभी क्या करेंगे, सिंपली करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और जो इवेंट है उसको यहाँ पे लॉग कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हम डिबग करेंगे यहाँ पे, चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। अभी इसको सेव करता हूँ। अभी देखिए ये जो हमारी क्लाइंट साइड फाइल है ये हमारी ऑटोमेटिक कंपाइल होके पब्लिक फोल्डर के अंदर जा रही है, क्यों, क्योंकि हम लारावेल मिक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सेव करने के बाद ऑटोमेटिक ये यहाँ पे जो सारे चेंजेस है हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वॉच यहाँ पे कर रहा है, कंपाइल ऑलरेडी हो गया। अभी चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और जो कंसोल है वो ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंसोल ओपन हो गया, और अभी यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूँगा ऐड, और ये देखिए इवेंट हमारी दिख रही है ऐड, ये देखिए इवेंट, मतलब इवेंट लिसनर हमारा अभी काम कर रहा है। अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद हमें कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये जो डेटा है यहाँ पे देखिए, ये जो पिज़्ज़ा है ये हमारा आ जाए कहाँ पे, हमारे इस फाइल के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और जो पिज़्ज़ा है उसको ऐड करवाएंगे हमारे कार्ट के अंदर या फिर सेशन के अंदर। तो ये यहाँ पे हमें कहाँ से मिलेगा, जो पिज़्ज़ा है जिसके ऊपर क्लिक हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे होम के ऊपर आना है और यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेटा एट्रीब्यूट होता है उसको यूज़ करेंगे डेटा, और इसको नाम देते हैं, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा नाम दे रहा हूँ। और इसके अंदर हमें स्टोर क्या करना है, देखिए जो करंट पिज़्ज़ा यहाँ पे आपको याद होगा हमने लूप किया है और इसके अंदर करंट पिज़्ज़ा हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको भेजना है, यहाँ पे सेट करना है डेटा एट्रीब्यूट को। और ये जो डेटा एट्रीब्यूट है इसको हम हमारे क्लाइंट के अंदर गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारा क्या है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हम इसको इस तरह से बाइंड नहीं कर सकते, हमें क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है स्ट्रिंग में। और अगर ऑब्जेक्ट हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन में, जेसन स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे क्लाइंट के अंदर इसको फिर से जेसन से हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये ईजेस है तो यहाँ पे ईजेस के टैग हमें ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड हम अभी लिखने वाले हैं। इस तरह से मैंने लिखा,
और इसके अंदर देखिए जेसन ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शन है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई यहाँ पे करना है आपको स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर पास करना है पिज़्ज़ा। तो जो हमारा पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जो करंट पिज़्ज़ा है, ये क्या होगा यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग यहाँ पे बन जाएगी। और अभी यहाँ पे एप डॉट जेस के अंदर क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट पिज़्ज़ा। अभी देखिए ये बटन हमें यहाँ पे मिल रहा है जिसके ऊपर क्लिक हो रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। और उसके ऊपर हमें क्या कॉल करना है, देखिए ये जो एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू हमें गेट करनी है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको करना है डेटा सेट। इस तरह से हम डेटा एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं। और उसके बाद नाम देना है, क्या एट्रीब्यूट का नाम है, हमने क्या दिया था इसको पिज़्ज़ा। देखिए ये पिज़्ज़ा, यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा लिख दिया। तो यहाँ पे हमें जेसन स्ट्रिंग यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। देखिए आपको दिखाता हूँ, इसको कंसोल करके इसके नीचे आते हैं और ये जो पिज़्ज़ा है इसको मैं कंसोल कर देता हूँ इस तरह से, और इसको सेव करके चलते हमारे ब्राउज़र में। फिर से कंसोल में ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, और अभी देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे इवेंट अभी तक दिख रही है। और वो क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश हमने अभी तक नहीं किया। देखिए ये देखिए अभी डेटा, देखिए जो हमारा पिज़्ज़ा है आईडी नेम, देखिए ये नेम है यहाँ पे मार्गारिटा, यहाँ पे दिख रहा है हमें उसकी इमेज कौन सी है, प्राइस कितनी है, साइज़ कौन सी है, मतलब जो पूरा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे हमें मिल रहा है। अभी देखिए ये कार्बोनारा है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नेम कार्बोनारा, मतलब जिसके ऊपर भी अभी क्लिक हो रहा है वो डेटा हमें यहाँ पे अभी मिल रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये देखिए ये जेसन है, ये स्ट्रिंग है, हमें इसको कन्वर्ट करना है फिर से ऑब्जेक्ट में। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या किया था, देखिए फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे किया था जेसन स्ट्रिंगीफाई, अभी इसका उल्टा करना है। वो कैसे करना है देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे करते हैं जेसन पार्स। तो जो भी जेसन स्ट्रिंग होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट में। अभी देखिए सेव करूँगा इसको, रिफ्रेश करते हैं और अभी क्लिक करूँगा और ये देखिए ये अभी है ऑब्जेक्ट और पूरा डेटा हमारा यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखिए अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं पनीर वाला, ये देखिए पनीर वाला यहाँ पे दिख रहा है, पनीर पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे डेटा हमें अभी रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मेथड कॉल करते हैं अपडेट कार्ट, क्लिक होने के बाद हमें जो कार्ट है हमारा वो अपडेट करना है, राइट। और इसके अंदर पास करेंगे जो भी हमारा पिज़्ज़ा है, कौन सा पिज़्ज़ा हमें ऐड करना है हमारे कार्ट के अंदर। अभी ये फंक्शन कहाँ पे है, ये फंक्शन अभी तक नहीं है, इसको हमें क्रिएट करना होगा। तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं और यहाँ पे करते हैं फंक्शन अपडेट कार्ट, यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ से पिज़्ज़ा पास कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा पिज़्ज़ा। और यहाँ पे अभी हमें काम करना है, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है और हमें ये जो पिज़्ज़ा है जिसके ऊपर क्लिक हुआ है वो हमें ऐड करना है कार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम एजैक्स कॉल अभी करने वाले हैं। तो एजैक्स कॉल करने के लिए आप या तो फेच जो APIs है जावास्क्रिप्ट के वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं जो हमेशा प्रोडक्शन साइट पे यूज़ होती है, कोई भी कमर्शियल वेबसाइट होती है तो यहाँ पे ये लाइब्रेरीज यूज़ होती है, और वो है एक्सियोस। इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है, तो उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो चलते हैं हमारे टर्मिनल में और यहाँ पे आते हैं यार्न एड एक्सियोस। अगर npm यूज़ कर रहे हो तो npm install axios, देखिए ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, ये हो गई। अभी यहाँ पे हमें इसको इम्पोर्ट करना होगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट axios फ्रॉम axios, इस तरह से। तो ये लाइब्रेरी यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगी। ये कहाँ से इम्पोर्ट हो रही है, हमारे नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर से, ओके। और फिर ये जो अपडेट कार्ट है यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमें अभी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है क्योंकि हमें डेटा भेजना है। तो axios डॉट पोस्ट, यहाँ पे URL देना है, जो भी URL है हमारा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ अपडेट कार्ट, इस तरह का URL हमारे पास नहीं है अभी, कोई भी API हमारे पास नहीं है। तो ये जो URL है थोड़ी देर में हम क्रिएट करेंगे। और इसका जो सेकेंड पैरामीटर होता है वो होता है जो डेटा हमें भेजना है। तो यहाँ पे सिंपली जो पिज़्ज़ा हमारा यहाँ से रिसीव हो रहा है, देखिए ये वाला जिसके ऊपर क्लिक हुआ है
उसको भेजना है तो यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर मैंने दे दिया। और अगर ये रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाती है तो ये आएगा देन ब्लॉक में। यहाँ पे ये होती है एक फंक्शन, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, उसके अंदर हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। देखिए ये अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसके अंदर सिंपली एक फंक्शन देनी है और यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न तरीका है, एरो फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। और ये सिंगल पैरामीटर है तो ये यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं चाहिए होंगे, ओके। और अभी यहाँ पे सिंपली करेंगे कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स चेक करते क्या है। देखिए ये रिस्पॉन्स है हमारा, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यहाँ पे इसको कंसोल करते हैं सिंपली। और चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अभी करते हैं क्लिक। और ये देखिए 404 यहाँ पे हमें मिल रहा है, मतलब ये जो राउट है हमारा अपडेट कार्ट जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, ये वाला ये हमारे पास नहीं है, इसलिए ये 404 यहाँ पे हमें रिटर्न कर रहा है। तो अभी हमें ये राउट क्रिएट करना होगा, तो इसको क्रिएट करने के लिए चलते हैं हमारे राउट फाइल के अंदर। देखिए राउट्स, और उसके अंदर वेब डॉट जे एस, यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए ये कार्ट हमारा गेट, यहाँ पे जो कार्ट पेज है उसके लिए इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ नीचे, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं ऐप डॉट पोस्ट। देखिए ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और यूआरएल कौन सा है एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे अपडेट कार्ट, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। और फिर यहाँ पे हमें कॉल करना है कौन सा कंट्रोलर, सेम कंट्रोलर के अंदर हम रखेंगे जो कार्ट कंट्रोलर है हमारा, क्योंकि ये कार्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे करते हैं मेथड कॉल अपडेट, मेथड कॉल नहीं करनी है, सिंपली यहाँ पे इसको लिखना है, ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी, ये राउटर उसको कॉल कर देगा, ओके। तो अभी चलते हैं कार्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे इंडेक्स है, अभी जो अपडेट मेथड हमने वहाँ पे दी है उसको यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और यहाँ पे करना है रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पे कुछ डमी डेटा अभी रिटर्न करते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो यहाँ पे करते हैं डेटा, एक स्ट्रिंग यहाँ से भेजते हैं, ऑल ओके, सेव करेंगे और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। और अभी देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और ये देखिए डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। देखिए जो डेटा की है यहाँ पे जो भेजी थी हमने, डेटा और ऑल ओके, देखिए पूरा डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है, मतलब हमारा राउट जो है वो अभी काम कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरा जो हमारा कार्ट का लॉजिक है, जो कार्ट के अंदर हमें पिज़्ज़ा ऐड करना है, वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि कार्ट के अंदर जो डेटा है हमारा किस तरह से हम स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ। देखिए ये फॉर्मेट हमें चाहिए होगा, इस तरह से हम हमारा कार्ट स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट हम स्टोर करने वाले हैं जिसके अंदर एक की होगी, और वो भी होगा ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है आइटम्स वाला, यहाँ पे इसकी जो की होगी वो क्या होगी, हमारे पिज़्ज़ा की आईडी। और फिर उसके अंदर डेटा होगा कि कौन सा हमारा पिज़्ज़ा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। देखिए एक बार हम बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 होगी, और अगर सेकेंड बार बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी आइटम्स हमें ऐड नहीं करना है, इसी आइटम्स के अंदर ये जो क्वांटिटी है इसको अपडेट करना है। और फिर यहाँ पे हमें करना है टोटल क्वांटिटी कितनी है, कितने आइटम्स हमारे कार्ट के अंदर ऑलरेडी स्टोर हुए हैं, और यहाँ पे हमें उसको ट्रैक करके रखना है कि टोटल प्राइस अपनी कितनी हो रही है। तो ये हर एक रिक्वेस्ट पे हमें ये पूरा कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और इसको अपडेट करना है। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें हमारे सेशन के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें चेक क्या करनी है, सबसे पहले चेक करना है कि हमारे सेशन के अंदर ऑलरेडी हमारा कार्ट है कि नहीं। अगर हम पहली बार कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमारा सेशन के अंदर कार्ट नहीं होगा, तो हमें सबसे पहले तो जो एम्प्टी कार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करना होगा, ये स्ट्रक्चर, और फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर कार्ट हमारा नहीं है तो एक एम्प्टी कार्ट क्रिएट करो। तो वो कैसे चेक करेंगे, देखिए इफ़ आपको यहाँ पर लिखना है, और अभी सेशन हमें कैसे चेक करना है, सेशन के अंदर का डेटा कैसे चेक करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, देखिए जो हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है, इसके ऊपर आप चेक कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट सेशन,
और जो भी हमारा सेशन है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और इसके अंदर चेक करना है कार्ट नाम की की अगर है या नहीं, क्योंकि इस नाम से हम इसको स्टोर करने वाले हैं हमारे कार्ट के अंदर। तो ये अगर नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, ये अगर नहीं है मतलब सेशन के अंदर हमारा अगर कार्ट नहीं है तो क्या करो, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट इस नाम का जो वेरिएबल है या फिर प्रॉपर्टी है वो क्रिएट करो, और उसके अंदर हमें क्या स्टोर करना है, एक ऑब्जेक्ट, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम यही ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे करूँगा आइटम्स, ये होगा एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है। देखिए ये अंदर का डेटा हमें अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको हम जो भी डेटा आ रहा है उसके बाद में इसको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आइटम्स जो है एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये दो जो है ये चाहिए होंगे। देखिए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इस तरह से, ओके। तो सबसे पहली टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले ये यहाँ पे चेक होगा, अगर सेशन के अंदर कार्ट नहीं है तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेशन के अंदर क्रिएट होगा। और फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कार्ट, ये हमारा कार्ट है, इसके अंदर स्टोर करते हैं जो भी हमने अभी अभी क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है, ये इसके अंदर है, देखिए ये अभी इसके अंदर हमने असाइन किया है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये जो कार्ट है ये हमारा है, ये तो एक तो हो सकता है ये एम्प्टी वाला अगर पहली बार रिक्वेस्ट आ रही है, या फिर अगर ये सेकेंड रिक्वेस्ट है ऑलरेडी हमारे पास कार्ट के अंदर कुछ है, तो यहाँ पे जो भी सेशन के अंदर जो कार्ट है वो हमें कार्ट के अंदर रिसीव हो जाएगा, ये वेरिएबल यहाँ पे देख रहे हो आप। और अभी यहाँ पे इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे लग रहा है, तो थोड़े से कमेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बाद में पता चले। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटिंग कार्ट एंड एडिंग बेसिक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं ये भी, चेक इफ आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन कार्ट। अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो आइटम हम ऐड करना चाहते हैं कार्ट के अंदर वो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये ऑलरेडी कार्ट के अंदर है क्या नहीं। अगर है तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी है। अगर नहीं है तो वो आइटम हमें ऐड करना होगा। कहाँ पे ऐड करना होगा, आइटम्स के अंदर। यहाँ पे अगर देखोगे इस तरह से हम जो आइटम है ऐड कर रहे हैं, देखिए इसकी की होगी जो आईडी है पिज़्ज़ा की जो हम ऐड करना चाहते हैं, ओके। अभी यहाँ पे देखिए ये कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे चेक करना है हमें। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे ये कार्ट, देखिए ये कार्ट हमारे पास है, ये हमारा कार्ट है। यहाँ पे इसके ऊपर जो आइटम्स प्रॉपर्टी है, देखिए ये वाली आइटम्स प्रॉपर्टी यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर इसके अंदर हमें चेक करना है क्या, जो भी पिज़्ज़ा यहाँ पे हमें ऐड करना है इसकी आईडी हमें मिलेगी कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे क्लाइंट से हम लोग यहाँ से भेज रहे पिज़्ज़ा, और इस पिज़्ज़ा के अंदर आईडी है जो भी पिज़्ज़ा हम ऐड करने चाहते हैं। तो जो भी हमारी रिक्वेस्ट बॉडी होती है उसके अंदर से अगर कुछ डेटा हमें लेना है तो इस तरह से हम ले सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो आपको पता चलेगा कि बॉडी के अंदर क्या है जो रिक्वेस्ट आ रही है हमारी। सेव करूँगा इसको, एक बार चेक करते हैं, हाँ इसको सेव करूंगा, और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, और अभी करूंगा ऐड। देखिए ये ऐड हो गया, अभी हमें कंसोल चेक करना है कौन सा, सर्वर वाला। और ये देखिए यहाँ पे अनडिफाइन हमें मिल रहा है, और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो है हमारी जेसन रिक्वेस्ट, जो जेसन डेटा हम भेज रहे हैं, लेकिन हमारे सर्वर को ये पता नहीं। एक्सप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फीचर है जो जेसन डेटा जो रिसीव करना है वो नहीं है, इसको हमें एनेबल करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है सर्वर फाइल के अंदर, और यहाँ पे करते हैं ऐप डॉट यूज, और सिंपली करना है एक्सप्रेस जेसन, और इस तरह से इसको कॉल करना है।
अभी इसको सेव करेंगे और यहाँ पे देखिए फिर से मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके ऐड करता हूँ। तो अभी चलते हैं हमारे टर्मिनल में, यहाँ पे कुछ हमें नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ तो हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए ये इफ़ यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम। हाँ ये देखिए, ये जो पूरा डेटा है ये हमें चाहिए हमारे इसके बाहर, और ये वाला है ये भी हमारा आएगा इसके बाहर, ये जो इफ़ कंडीशन है इसके बाहर आएगा। ओके, और अभी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, और ये देखिए रिक्वेस्ट गई, और ये देखिए टर्मिनल के अंदर ये क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो भी डेटा है हमारा आईडी नेम, जो भी पिज़्ज़ा हमने यहाँ पे क्लिक किया था, ये देखिए ये आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो वही आईडी हम यहाँ पे उसको रिसीव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है कार्ट कंट्रोलर, ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, और यहाँ पे आइटम्स के ऊपर हम चेक कर रहे हैं अगर ये प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे देखिए ये चेक कर रहे हैं हम पिज़्ज़ा आईडी, इस टाइप की अगर प्रॉपर्टी है इसका मतलब ये पिज़्ज़ा ऑलरेडी हमारे कार्ट के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं हटा देता हूँ अभी, और यहाँ पे चेक करें अगर है, लेकिन हमें चेक करना है अगर नहीं है, नहीं है तो क्या करना है हमें ऐड करना है उसको। तो कार्ट डॉट आइटम्स, और यहाँ पे की हमारी जो है वो बनानी है जो हमारी आईडी है, देखिए तो इस तरह से आपको लिखना है, और ये होगा एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये आईडी हमने यहाँ पे दे दी की, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो है ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे अभी बना रहे हैं। देखिए इसके अंदर लिखना है आइटम, और ये आइटम होगा क्या होगा, जो खुद पिज़्ज़ा है, तो खुद पिज़्ज़ा क्या है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो हमने टर्मिनल के अंदर अभी देखा था। यहाँ पे देखिए फिर से ये पूरा ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं यहाँ पे आइटम के अंदर, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटिटी, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे और वन यहाँ पे देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं कार्ट के अंदर अगर ये पिज़्ज़ा नहीं है तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं, और पहली बार ऐड कर रहे हैं मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए वन। ओके, इस तरह से हमने कर दिया, और इसके बाद देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, कार्ट के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, वो है टोटल, यहाँ पे देखते हैं क्या है, देखिए टोटल क्वांटिटी यहाँ पे देनी है, तो टोटल क्वांटिटी वो कितनी होगी, वो होगी कार्ट के अंदर अगर पहले कुछ आइटम्स है दूसरे वाले, तो सबसे पहले उनकी क्वांटिटी चेक करेंगे, तो कार्ट डॉट टोटल क्वांटिटी प्लस वन, क्योंकि ये आइटम ऐड हुआ मतलब एक जो आइटम है, एक जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। और फिर जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखना है, ये सेम स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये एग्जांपल स्ट्रक्चर है, टोटल प्राइस हमें देनी है, तो टोटल प्राइस, और टोटल प्राइस कितनी होगी, जितनी भी हमारी ऑलरेडी जो प्राइस है टोटल वो पहले लेनी है, और उसके अंदर ऐड करना है क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, देखिए ये वाली प्राइस जो करंट पिज़्ज़ा की प्राइस है, इस तरह से मतलब सिंपली यहाँ पे जितनी भी टोटल प्राइस ऑलरेडी कार्ट के अंदर है उसके अंदर जो भी करंट पिज़्ज़ा है उसकी प्राइस ऐड कर दी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेक किया हमने, अगर ये जो करंट पिज़्ज़ा है ये कार्ट के अंदर नहीं है तो हम ये कर रहे हैं, और अगर है तो क्या करेंगे, एल्स, देखिए यहाँ पे अगर जो भी पिज़्ज़ा हम ऐड करना चाहते हैं वो अगर ऑलरेडी कार्ट के अंदर है तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कार्ट डॉट आइटम्स, और यहाँ पे हमें लिखना है क्या, ये वाली सेम चीज़, इस तरह से, और इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या करनी है, वो बढ़ानी है, आइटम ऑलरेडी पिज़्ज़ा के अंदर है तो हमें इसको इस तरह से फिर से ऐड नहीं करना है, देखिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, इस तरह से ऐड नहीं करना है, सिंपली क्या करना है इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी है बस। तो देखिए ये हमने इस तरह से उसको सिलेक्ट कर दिया, और उसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको क्या करो, प्लस वन करना है, लेकिन किससे प्लस वन, इससे जो ऑलरेडी जितनी क्वांटिटी है उसके अंदर वन ऐड कर दो, इस तरह से। देखिए मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको इसको एक दो बार देखना होगा और थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक दो बार इसको रिवाइंड करके देखिए और आपको समझ में आएगा।
और अभी देखिए, अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है टोटल क्वांटिटी हमारी जो है वो अपडेट करनी है। तो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा हम ऐड कर रहे हैं, मतलब हमें जो टोटल क्वांटिटी है वो एक बढ़ानी है। तो यहाँ पे कार्ट, देखिए ये जो कार्ट वेरिएबल है, जो हमारा कार्ट है यहाँ पे हम इसको गेट कर रहे हैं। देखिए रिक्वेस्ट सेशन कार्ट, और अभी करेंगे कार्ट टोटल क्वांटिटी, इसमें क्या करना है, प्लस वन करना है। तो देखिए इसके अंदर स्टोर करना है ये प्लस वन, मतलब जितनी भी क्वांटिटी ऑलरेडी है उसमें उसमें एक ऐड कर दो। और इसके बाद कार्ट डॉट टोटल प्राइस, जो टोटल प्राइस है हमारे कार्ट की प्राइस टोटल, उसमें क्या करना है, देखिए जो ऑलरेडी प्राइस है उसके अंदर कौन सी प्राइस ऐड करनी है, जो भी पिज़्ज़ा हम अभी ऐड कर रहे हैं। तो वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस। फिर से आपको दिखाता हूँ, ये पिज़्ज़ा है जो हमने जिसके ऊपर क्लिक किया था, और ये हमें कैसे गेट होता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसके अंदर जो प्राइस है वो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मतलब कार्ट के अंदर जो प्राइस ऑलरेडी है उसके अंदर ये प्राइस ऐड कर दो, जो भी अभी हम ऐड करना चाहते हैं, जो भी पिज़्ज़ा उसकी प्राइस। और फाइनली ये सब ऐड होने के बाद हमें यहाँ पे भेजना है डेटा हमारे क्लाइंट पे, क्या भेजना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, वो हमें क्यों चाहिए। देखिए आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़, यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी दिखानी है। जैसे कोई ऐड हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको अपडेट करेंगे, तो जैसे कार्ट के अंदर ये पिज़्ज़ा ऐड हो जाता है, हमें रिस्पांस में जो टोटल क्वांटिटी है कार्ट के अंदर कितनी है वो हमें चाहिए होगी, ताकि यहाँ पे हम उसको अपडेट कर पाएँ। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको एक की देते हैं टोटल क्वांटिटी, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम रिस्पांस में भेजेंगे, अभी कितने पिज़्ज़ा हुए टोटल हमारे कार्ट के अंदर, बस यही है। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और इसके अंदर हमारा कार्ट है, और कार्ट के अंदर है टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी इस तरह से। देखिए ये टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे आपको फिर से दिखाता हूँ, ये हमारा कार्ट है, और इसके अंदर आप देखोगे तो टोटल क्वांटिटी जो प्रॉपर्टी है वो है, ओके। तो ये हम यहाँ पे भेज रहे हैं जैसे ही कोई आइटम हमारे कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है। अभी इसको सेव करेंगे और इसको एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ और रिफ्रेश, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमें डेटा रिसीव हुआ। देखिए डेटा के अंदर हमें देखना है, यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी दो हमें यहाँ पे दिख रही है, तो ये इससे पहले जो हमने ऐड किया था वो, और ये सेकेंड वाला, ओके टोटल दो क्वांटिटी। अभी देखिए और एक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड, अभी देखिए क्या होगा डेटा के अंदर, यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी तीन अभी है, मतलब ये क्वांटिटी यहाँ पे ऐड होती ही जा रही है। और अभी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, चलते अपने डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे रिफ्रेश, और देखिए ये हमारा सेशन है, यहाँ पे इसके अंदर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए, ये देखिए कार्ट नाम की अभी हमारे सेशन के अंदर है, ये हमारा सेशन है राइट, और इसके अंदर आइटम्स है। देखिए ये जो आईडी है जो पिज़्ज़ा हमने ऐड किया है, ये एज अ की यहाँ पे आ गई, फिर आइटम के अंदर वो खुद पिज़्ज़ा पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो है, और यहाँ पे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो भी हमारा कार्ट के अंदर है। टोटल क्वांटिटी देखिए यहाँ पे तीन है, और टोटल प्राइस भी यहाँ पे है, देखिए टोटल प्राइस चेक करते हैं कितनी है, यहाँ पे देखिए टोटल प्राइस 1550 है, ओके। तो सेशन के अंदर जो हमारा कार्ट है वो अभी सेव हो रहा है। अभी फिर से चलते हैं अपने क्लाइंट फाइल के अंदर, और यहाँ पे अभी क्या करना है, देखिए ये रिस्पॉन्स अभी यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है। अभी हमें ये जो है यहाँ पे हमें जो नंबर है टोटल क्वांटिटी ये अपडेट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा काउंटर है उसको गेट करते हैं। देखिए यहाँ पे होम डॉट ईजीएस के अंदर, नहीं ये यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा लेआउट के अंदर, क्योंकि ये हमारे नावबार के अंदर है राइट। तो लेआउट के अंदर जाते हैं और ये देखिए ये रहा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन पे लाते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे
देखिए इमेज से पहले, इमेज मतलब ये जो कार्ड का आइकॉन है हमारा, ये वाला, यहाँ पे हमें नंबर भी दिखाना है। तो यहाँ पे मैं एक स्पैन ओपन करूँगा और इसको क्लास देता हूँ। ये है हमारा कार्ड काउंटर, तो कार्ड काउंटर यहाँ पे मैंने इसको क्लास दे दिया। या फिर एक काम करते हैं, इसको आईडी देते हैं कार्ड काउंटर। आप क्लास भी दे सकते हो, आईडी भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आईडी देते हैं और इसके अंदर करते हैं, अभी स्टैटिक करते हैं, यहाँ पे तीन करते हैं, टोटल तीन आइटम है। बाद में इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनामिकली यहाँ पे चेंज करेंगे। और अभी सेव करके यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, देखिए रिफ़्रेश। तो ये देखिए, ये तीन यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये देखिए। अभी थोड़ा सा इसको स्टाइल हमें करना होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लास ऐड करेंगे, टेलविन सीएसएस के क्लास। और हमें क्या करना है, इसको करना है टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट बोल्ड। एक बार इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको कैसे दिख रहा है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से। अभी हम चाहते हैं कि ये जो है ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाए, तो एक लाइन में आ जाए दोनों। तो इसका जो पैरेंट है इसके ऊपर हमें फ्लेक्स अप्लाई करना होगा। तो फ्लेक्स आइटम सेंटर, सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी तीन और जो हमारा आइकॉन है इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली पैडिंग राइट करते हैं। यहाँ पे पैडिंग राइट करते हैं, कितनी, टू करते हैं, सेव। और ये देखिए स्पेस भी यहाँ पे आ गई। अभी ये यहाँ पे स्टैटिक हमने किया, हार्ड कोड किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए ये अभी ज़ीरो है। और अभी क्या करूँगा, ये आईडी हमारे पास है तो ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे इसको गेट करते हैं। देखिए कैसे गेट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे इसके अंदर हमें देनी है आईडी, इस तरह से आपको लिखना है। तो जो हमारा स्पैन है यहाँ पे गेट हो जाएगा। और फिर जैसे हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिलने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा कार्ड काउंटर है इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे करना है इनर टेक्स्ट, इसका जो इनर टेक्स्ट है, देखिए इनर टेक्स्ट, इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे करेंगे, इसके अंदर क्या करना है, देखिए हमारे रिस्पॉन्स में आपको याद ही होगा टोटल क्वांटिटी हमें मिल रही है। तो यहाँ पे करते हैं रिस्पॉन्स, लेकिन रिस्पॉन्स तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगा फिर से, देखिए ये कंसोल हमने किया है, फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कंसोल, और अभी ऐड करता हूँ आइटम, यहाँ पे देखिए ऐड। ये देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। उसके अंदर हमें चेक करना है डेटा प्रॉपर्टी, देखिए ये डेटा है। तो कैसे करेंगे, देखिए रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और डेटा के अंदर क्या है, टोटल क्वांटिटी, ये प्रॉपर्टी है। तो डॉट टोटल क्वांटिटी, इस तरह से। तो कार्ड काउंटर के अंदर जो इनर टेक्स्ट है ये हमारा अपडेट हो जाएगा, जो भी नई क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी हमें रिस्पॉन्स में मिल रही है। देखिए इसको सेव करेंगे और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, ये क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी ज़ीरो है, अभी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, देखिए ऐड। और ये देखिए नहीं आया, मतलब कुछ तो हमने मिस्टेक की। यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, देखिए कार्ड काउंटर इनर टेक्स्ट, हाँ ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखना है इनर टेक्स्ट, टी हमारा कैपिटल होना चाहिए। अभी सेव करेंगे और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ज़ीरो है। अभी मैं ऐड करूँगा ऐड, और ये देखिए सिक्स आइटम। अभी ये सिक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे पहले पाँच जो आइटम थे वो ऐड किए थे। ओके, तो ये सिक्स आइटम यहाँ पे ऐड हो गया। अभी अगर फिर से मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए सेवन हो गए, और फिर ऐड करूँगा ये देखिए एट हो गए। मतलब ये डेटा अभी हमारा डायनामिकली चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ हमें करनी है, देखिए यहाँ पे अगर आते हैं जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये मैसेज हमें यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए ये वन हमें दिख रहा है। अगर यहाँ पे पेज में रिफ्रेश करूँ तो ये वन यहाँ अभी तक है, लेकिन अगर ये जो हमारा है, देखिए अभी जो हमने बनाया था, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको हार्ड कोड किया हुआ है। तो रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे हमें ज़ीरो नहीं दिखाना है, जो भी कार्ड के अंदर डेटा है वो हमें यहाँ पे दिखाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको जाना है फिर से लेआउट के अंदर, और यहाँ पे जो ज़ीरो हमने दिया था इसकी जगह हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो ईजीएस के टैग्स है वो ओपन करते हैं।
इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से। और इसके बाद हमें करना है ये वाला, देखिए। और अभी यहाँ पे हमें करना है सेशन डॉट कार्ट। सेशन के अंदर हमारा कार्ट है, इस तरह से हमने गेट किया, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टोटल क्वांटिटी। टोटल देखिए, टोटल क्वांटिटी इस तरह से। तो कार्ट के अंदर जो भी टोटल क्वांटिटी है ये यहाँ पे हमें डिस्प्ले करानी है। अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा और करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। और देखिए, सेशन इज़ नॉट डिफाइंड। जो सेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो वेरिएबल है, देखिए ये इसको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और इसका एक रीज़न है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जितना भी फ्रंट एंड होता है इसके अंदर हमें सेशन की यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। हमें इसको कुछ तो करके यहाँ पे उसको अवेलेबल करनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल मिडलवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल मिडलवेयर मतलब हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर वो काम करते हैं या फिर एग्जीक्यूट होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा हमारे सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर, और यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ, ग्लोबल मिडलवेयर। तो मिडलवेयर मतलब कुछ नहीं होता है, एक फंक्शन होती है, नॉर्मल फंक्शन। तो आपको लिखना है ऐप डॉट यूज, और ये देखिए इस तरह से हम मिडलवेयर अप्लाई करते हैं, और इसके अंदर जो फंक्शन होती है वो मिडलवेयर होता है। तो यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे जिसका कोई नाम नहीं है, ये एरो फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं। अभी ये जो मिडलवेयर होता है इसके अंदर तीन चीज़ें हमें हमेशा रिसीव होती है। जो पहला होता है वो होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है रिस्पॉन्स, और जो तीसरा होता है वो होता है नेक्स्ट। ये एक कॉल बैक होता है, अगर सब ठीक है तो उसको हमें कॉल करना होता है, तो रिक्वेस्ट क्या होगी, आगे प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर लोकल्स, और उसके ऊपर हम जो हमारा सेशन है उसको माउंट करेंगे, सेशन इस तरह से। और फिर इसको हमें असाइन करना है जो हमारा सेशन है। हमारा सेशन हमें कहाँ से मिलेगा, याद ही होगा आपको, वो मिलेगा हमें रिक्वेस्ट के ऊपर है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन। देखिए इसको अगर मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आते हैं, अभी ये जो सेशन की है यहाँ पे हमें अवेलेबल होगी, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ऑलरेडी माउंट कर दिया हमारे रिस्पॉन्स पे। अभी इसको सेव करूँगा और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखिए ये अभी घूमते रहेगा, देखिए घूम रहा है। और इसका एक रीज़न है, देखिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसका एक रीज़न है, ये हमारा मिडलवेयर है। और यहाँ पे आपने देखा था कि नेक्स्ट जो है ये एक फंक्शन होती है, और जब भी हमारा कोड यहाँ पे एंड हो जाता है इसको हमें कॉल करना होता है, नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी नहीं, ये हमेशा घूमती रहेगी। ये नेक्स्ट कॉल करने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो प्रोसेस है, रिक्वेस्ट है, आगे पास हो जाएगी और बाकी का काम होगा। अगर ये नेक्स्ट यहाँ पे कॉल नहीं करोगे तो रिक्वेस्ट यहाँ पे अटक के रह जाएगी। ओके, अभी यहाँ पे इसको सेव करते हैं और चलते हैं फिर से यहाँ पे और करते हैं रिफ्रेश, और ये देखिए अभी नई एरर यहाँ पे हमें दिख रही है, टोटल क्वांटिटी, इसको ये अभी नहीं मिल रही है। तो अभी इसका रीज़न, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि चेक करना है, देखिए सेशन डॉट कार्ट ये है कि नहीं, अगर है तभी ये दिखा दो, नहीं तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा दो। तो यहाँ पे सिंपली करेंगे, देखिए इस तरह से आपको चेक करना है सेशन डॉट कार्ट। यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ़ अगर ये है तभी ये हमें एग्जीक्यूट करना है, देखिए टोटल क्वांटिटी लेनी है। अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ पे देना है कोलन, और यहाँ पे करना है एम्प्टी स्ट्रिंग। देखिए तो इस तरह से वो चेक करेगा, सबसे पहले कार्ड अगर है सेशन के अंदर तो इसको जो टोटल क्वांटिटी है वो दिखाएगा, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग। और अभी ये एरर आएगी नहीं, देखिए यहाँ पे आता हूँ और करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखिए एरर चली गई। और यहाँ पे मैंने डेटाबेस के अंदर से जो सेशन था वो भी डिलीट कर दिया ताकि हम यहाँ पे नए से स्टार्ट करें। देखिए अभी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी ऐड करूँगा ऐड, और ये देखिए वन यहाँ पे दिख रहा है, अभी इसको करते हैं ऐड, और ये देखिए टू, अभी और एक ऐड करते हैं, ये देखिए तीन। और अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये तीन रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अभी मिल जाएगा हमें सेशन से। देखिए रिफ्रेश, और ये देखिए ये अभी तक है तीन,
और डेटाबेस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेशन है हमारा और पूरा डेटा उसके अंदर है। अभी एक फाइनल काम हमारा बचा है, देखिए यहाँ पे अगर कुछ ऐड करते हैं, देखिए ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ऐड करते तो ये जो मैसेज हमें दिख रहा है इसको हमें दिखाना है। देखिए इस तरह से जो एनिमेशन आपको दिख रहा है, तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ और वो है नोटी या फिर नोटाई, जो भी आपको जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, नोटाई इस तरह से आपको लिखना है और npm शायद हमें लिखना होगा। तो देखिए ये लाइब्रेरी यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी और देखिए बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, बहुत सारे डाउनलोड्स है इसके। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको इस तरह से कॉपी करना है और चलते हैं टर्मिनल में, यहाँ पे करते हैं yarn add और इसको पेस्ट कर दिया। देखिए ये अभी इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पे और ये हो गई। अभी चलते हैं हमारे क्लाइंट फाइल के अंदर, यहाँ पे app.js और यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट फ्रॉम इस तरह से, और फिर इसको अगर यहाँ पे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं जैसे हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाता है तो यहाँ पे हमें मैसेज दिखाना है। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन एक बार चेक करते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली इस तरह से ये जो है ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरह से, न्यू नॉटी और ये टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हमें देना है। तो टेक्स्ट मैं चाहता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करते हैं, आइटम एडेड टू कार्ट। देखिए ये टेक्स्ट मुझे चाहिए और उसके बाद टाइप चाहिए। देखिए इसको सबसे पहले तो सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे सेव करके चलते हैं अपने ब्राउज़र में, रिफ्रेश करूँगा और अभी करूँगा ओके ऐड, और ये देखिए अभी तक दिखा नहीं। और इसका रीज़न है क्योंकि हमने CSS अभी तक इसका कनेक्ट नहीं किया है, इसका CSS भी होता है। तो हमें CSS को ऐड करने के लिए जाना है अपने SCSS के अंदर, app.scss, ये हमारी मेन SCSS फाइल है, SAS फाइल है। तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे, देखिए इस तरह से करना है इंपोर्ट, और यहाँ पे नोड मॉड्यूल से ये आएगा तो सिंपली आपको इस तरह से करना है। और अभी करते हैं नॉटी, बाद में src naughty.scss, और इसके साथ में और एक चीज़ हमें चाहिए होगी वो है थीम्स के अंदर से। देखिए यहाँ पे आपको ऐड करना है src के अंदर, यहाँ पे थीम्स और उसके अंदर mint.scss, ये इसकी नॉटी की जो थीम है वो भी हमें यहाँ पे चाहिए होगी। तो इस तरह से इसका जो CSS है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अभी इसको सेव करूँगा और करते हैं रिफ्रेश, और अभी मैं ऐड करूँगा, देखिए ऐड, तो ये देखिए मैसेज यहाँ पे दिख रहा है लेकिन वो स्टाइल हमें नहीं दिख रही जो हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली हमें जाना है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे, और ऑप्शंस हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, यहाँ पे टाइप देना है, देखिए टाइप टाइप, और टाइप करते हैं सक्सेस, तो वो ग्रीन कलर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए रिफ्रेश और ऐड, और ये देखिए अभी इसके कॉर्नर्स हमें थोड़े से राउंड करने हैं। देखिए डेमो प्रोजेक्ट में अगर देखेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, उसका जो CSS है थोड़ा सा हमें ओवरराइड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दो लाइंस हमें ऐड करनी है, कहाँ ऐड करनी है, यहाँ पे चलते हैं app.scss के अंदर, यहाँ पे आते हैं नीचे और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए ये क्लास है उसका जो हमें जो मैसेज दिख रहा था उसको हमने सिलेक्ट कर दिया, और बॉर्डर रेडियस हमने कर दी 50 pixels ताकि उसके जो कॉर्नर से वो राउंड हो जाए, और थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दी लेफ्ट साइड में 8 pixels। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और अभी मैं करूँगा ऐड, तो ये देखिए जैसा हमें चाहिए था। ओके अभी ये हाइड नहीं हो रहा है, देखिए क्लिक होने के बाद ये हाइड हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे 1-2 seconds के बाद वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाए। तो उसके लिए और भी ऑप्शंस हमें देने होंगे, तो आते हैं फिर से हमारे app.js के अंदर और यहाँ पे ऑप्शंस देने हैं। तो यहाँ पे करते हैं टाइम आउट, मतलब कितनी सेकंड के बाद ये गायब होना चाहिए।
तो यहाँ पे करते हैं 1000, तो ये मिली सेकेंड में होता है एक्चुअली, तो 1000 मतलब एक सेकेंड, एक सेकेंड के बाद वो जो मैसेज है वो फिर से गायब हो जाएगा या फिर हाइड हो जाएगा। देखिए सेव करूँगा और अभी करते हैं रिफ्रेश, अभी करूँगा ऐड और ये देखिए अभी यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्रेस बार हमें दिख रहा है, वो अगर हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं प्रोग्रेस बार, इसको करते हैं फॉल्स। देखिए सेव करेंगे, रिफ्रेश और अभी करता हूँ ऐड, तो ये देखिए ये गायब, फिर से ऐड करता हूँ और ये गायब। ओके, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर आपको इसका जो पोजीशन है ये अगर चेंज करना है, आपको चाहिए यहाँ से, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आपको करना है लेआउट, और मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम लेफ्ट में आ जाए, तो बॉटम लेफ्ट करता हूँ यहाँ पे। देखिए बॉटम लेफ्ट, रिफ्रेश, ऐड, और ये देखिए बॉटम लेफ्ट में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप लेफ्ट में आ जाए तो टॉप लेफ्ट, रिफ्रेश, और ये देखिए टॉप लेफ्ट में, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो राइट में जो हमें दिख रहा है। देखिए रिफ्रेश, ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, अभी यहाँ पे और एक चीज़ हमारी बची है। देखिए यहाँ पे हम जो देन है, जो सक्सेस है, हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। अगर सर्वर से हमें कुछ एरर आ जाती है तो उसको भी हमें यहाँ पे हैंडल करना होगा। तो देखिए ये देन जो है इसके अंदर का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर सक्सेस हो जाता है। अगर एरर आती है तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं। देखिए एरर यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगी, ये भी होगी एक एरो फंक्शन, इसके अंदर हम पास कर रहे हैं। और सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस टाइप का कुछ सेम मैसेज आ जाए, और सक्सेस की जगह मैं करूँगा एरर, तो जो मैसेज होगा वो रेड टाइप का आ जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो करते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अभी इसको टेस्ट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, जो URL है वो थोड़ा सा गलत लिख देता हूँ, यहाँ पे S मैंने ऐड कर दिया ताकि एरर आ जाए। देखिए रिफ्रेश करूँगा और ऐड, देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे एरर हमें दिख रही क्योंकि हमारी जो क्वेरी है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, यहाँ पे एरर आ गई। अगर इसको सही करता हूँ तो देखिए सक्सेस, ये हमारे कार्ट के अंदर ऐड हो गया ये वाला पिज़्ज़ा। अभी एक लास्ट काम हमें यहाँ पे करना है। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये बॉर्डर आपको दिख रही है ब्लू वाली, और ये मुझे नहीं चाहिए, तो उसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। देखिए हमारे पास बटन होगा यहाँ पे ऐड कार्ट बटन, देखिए ये वाला, तो यहाँ पे इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली करना है एंड, और जो फोकस है देखिए इसका फोकस, और हमें करना है आउटलाइन नन, आउटलाइन नन, सेव करूँगा और अभी यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, और अभी करूँगा देखिए अभी ऐड करूँगा जो बॉर्डर थी ब्लू वाली वो यहाँ पे अभी नहीं दिख रही है, और ये सारे आइटम्स हमारे अभी हमारे कार्ट के अंदर ऐड हो गए। देखिए 16 आइटम्स टोटल हमारे हो गए। अभी यहाँ पे हमारी ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी कंप्लीट हो गई। अभी एक लास्ट काम करना है, देखिए यहाँ पे कार्ट पेज के ऊपर हमें जो भी कार्ट के अंदर है वो डिस्प्ले करना है। अभी यहाँ पे ये पूरा स्टैटिक है, और हमें क्या चाहिए कि जो भी कार्ट के अंदर है वो यहाँ पे आ जाए डायनामिकली। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये पेज कहाँ से रेंडर हो रहा है। तो ये हमारा स्लैश कार्ट राउट है, तो चलते हैं हमारे राउट्स, देखिए ये क्लोज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे चलते हैं राउट्स फाइल के अंदर, देखिए web.js, और यहाँ पे देखते हैं स्लैश कार्ट, ये जा रहा है हमारा कार्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड। देखिए ऐप http कंट्रोलर्स, और यहाँ पे होगा कस्टमर्स के अंदर कार्ट कंट्रोलर, देखिए और इसके अंदर है इंडेक्स मेथड, तो ये रही हमारी इंडेक्स मेथड। तो एक तो हम यहाँ पे सेशन जो है हमारा उससे पूरा डेटा गेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम इसको सेंड कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हमने जो किया था हमारे फ्रंट एंड के ऊपर सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये करने की ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली जाना है जो हमारा कार्ट व्यू है,
तो कार्ट पेज कहाँ पे है, व्यूज के अंदर कस्टमर्स और कार्ट डॉट ईजेएस। देखिए ये हमारा पेज है यहाँ पे, ये जो हमने कमेंट किया था ये है हमारा एम्प्टी कार्ट, ये वाला देखिए ये एम्प्टी कार्ट है और ये लॉगिन बटन था, इसको भी कमेंट किया, इसको बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा डेटा हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया है, पूरा स्टैटिक डेटा है। अभी क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो देखते हैं ये हमारा है कार्ट पेज, हाँ, और इससे नीचे है एम्प्टी कार्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लूप चलाना होगा। तो सबसे पहले हमें जो कार्ट है हमारा सेशन से वो गेट करना होगा, तो वो तो हमें मिल जाएगा सेशन डॉट कार्ट, अगर करेंगे तो कार्ट हमें मिल जाएगा। तो हमें लूप कहाँ पे करना है ये सबसे पहले देखना है। देखिए ये हमारा एक आइटम है, ये दूसरा, देखिए बिल्कुल उसी तरह से जो हमने मेन्यू के साथ में किया था। ये जो सारे आइटम्स है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक आइटम यहाँ पे मैं रखूँगा। देखिए यहाँ पे ये वाला आइटम है और इसको हमें रिपीट करना है, लेकिन डेटा हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें सिंपल लूप चलाना होगा। तो ईजेएस के जो टैग्स है वो यहाँ पे ओपन करते हैं इस तरह से, और इसके अंदर लिखेंगे फॉर। देखिए फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए लूप चलाने के लिए हमें चाहिए होता है एरे। लेकिन हमारे कार्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जो आइटम्स प्रॉपर्टी थी वो है ऑब्जेक्ट, वो एरे नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो आइटम्स है एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए हमें जाना होगा हमारे कार्ट कंट्रोलर में, कार्ट कंट्रोलर ये रहा, और यहाँ पे देखिए ये मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आइटम्स है, जितने भी सारे आइटम्स है हमारे कार्ट के अंदर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर रहेंगे। फिर हम इस ऑब्जेक्ट को लूप करने वाले हैं, लेकिन लूप करने के लिए हमें चाहिए होगा एरे। ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एरे में। तो वो कैसे करना है चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर लूप हमें चलाना होगा, तो यहाँ पे करते हैं लेट, एक वेरिएबल लेते हैं, इसको नाम देते हैं पिज़्ज़ा। और यहाँ पे फॉर ऑफ लूप हम चलाने वाले हैं, तो फॉर ऑफ लूप जो होता है वो एरे के ऊपर चलेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, सेशन डॉट कार्ट, ये हमारा कार्ट है और इसके अंदर है आइटम्स ऑब्जेक्ट। देखिए ये वाला कार्ट डॉट आइटम्स, देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें एरे करना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और इसके अंदर इसको लिखना है। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सारी वैल्यूज़ को लेगा। देखिए इसकी वैल्यू कौन सी है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला, और जो नेक्स्ट वाला होगा जो दूसरा पिज़्ज़ा है, जो दूसरी आईडी होगी, इस तरह से देखिए इस तरह से कुछ होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो आईडी है, ये पिज़्ज़ा आईडी 1, ये पिज़्ज़ा आईडी 2 और ये और कोई आईडी। ओके, तो ये तीन पिज़्ज़ा अलग अलग पिज़्ज़ाज़ हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ किया है, मतलब ये जो वैल्यू है देखिए ये की है और ये वैल्यू है। अभी यहाँ पे हमें एरे रिटर्न हो जाएगा वैल्यूज़ का, तो ये एक आइटम, बाद में ये वाला आइटम, ये ऑब्जेक्ट, बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे एरे रिटर्न हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स का। अभी देखिए यहाँ पे, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, ऑफ लूप चलाया है, तो ये सिंगल पिज़्ज़ा हमें मिल रहा है जो इटरेशन है। और अभी यहाँ पे इसको करना है इस तरह से, देखिए, और इसके बाहर आते हैं और इसको क्लोज भी करना है हमें, जो हमारा लूप है इस तरह से हमें करना है। ओके, तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और अभी इसको मैं सेव करूँगा और चलते हैं हमारे कार्ट पेज पे, यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन एंट्रीज हमें दिख रही है। यहाँ पे कार्ट के अंदर 16 आइटम्स है, लेकिन वो शायद रिपीट हुए होंगे, क्योंकि ये पिज़्ज़ा 3-4 बार हुआ, ये 2-3 बार, इस तरह से। यहाँ पे जो क्वांटिटी दिखा रहे हैं ये टोटल क्वांटिटी है, और यहाँ पे कौन से पिज़्ज़ाज है उसकी लिस्ट है। और अभी देखिए ये सेम डेटा है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी डेटा डायनामिक नहीं किया है। यहाँ पे देखिए हर एक इटरेशन पे हमें पिज़्ज़ा मिल रहा है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने मेनू में किया था सेम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, इस तरह से आपको करना है, और यहाँ पे लिखना है पिज़्ज़ा डॉट इमेज
और ये देखिए यहाँ पे इमेज नहीं आई, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। एक बार चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे चलते हैं कार्ड कंट्रोलर के अंदर और ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है राइट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इमेज कॉल की। देखिए पिज़्ज़ा मतलब ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया अभी, क्योंकि ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ मतलब ये एरे मिलेगा इस ऑब्जेक्ट का राइट, और अभी देखिए इसके अंदर आइटम की है, इसके अंदर इमेज की नहीं है और यहाँ पे हम इमेज कॉल कर रहे हैं। वो इमेज कहाँ मिलेगी हमें, आइटम के अंदर जो खुद पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पूरा डेटा है, इमेज प्राइस और साइज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइटम भी कॉल करना पड़ेगा। तो किस तरह से, देखिए डॉट आइटम डॉट इमेज इस तरह से सेव करेंगे और रिफ्रेश, और ये देखिए ये इमेज हमारी आ गई। और अभी इसी तरह से क्या करूँगा मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे करेंगे आइटम डॉट नेम, यहाँ पे होगी साइज, तो आइटम डॉट साइज सेव। ये देखिए साइज भी आ गई, नेम भी आ गया। अभी ये जो है क्वांटिटी यहाँ पे हमने वन किया है, तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ। और अभी देखिए अभी आइटम हमें नहीं करना है, यहाँ पे पिज़्ज़ा डॉट क्वांटिटी इस तरह से, देखिए ये हो गई। ये देखिए क्वांटिटी चेंज हो गई, ये 7 आइटम है, ये 5 आइटम, ये 4 आइटम, मतलब अगर इसको टोटल करोगे तो देखिए 16 होना चाहिए। ओके, तो क्वांटिटी भी हमारी सही से काम कर रही है। अभी ये जो प्राइस है यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई करना होगा जो भी पिज़्ज़ा की प्राइस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ जो हमारा सिंटैक्स है EJS का, और यहाँ पे मैं करूँगा पिज़्ज़ा डॉट आइटम डॉट प्राइस। देखिए सबसे पहले जो पिज़्ज़ा है उसकी प्राइस चेक कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पिज़्ज़ा डॉट क्वांटिटी, ये जो है यहाँ से। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव, और ये देखिए अभी यहाँ पे इसकी प्राइस भी कैलकुलेट हो रही है। अभी टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो टोटल अमाउंट मतलब क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको याद ही होगा। देखिए सिंटैक्स पहले EJS का हमें चाहिए होगा यहाँ पे टैक्स, और फिर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अभी देखिए सेशन डॉट कार्ड, और इसके अंदर हमारे पास टोटल प्राइस है, ये कार्ड के अंदर हम ऑलरेडी स्टोर कर रहे हैं, तो टोटल प्राइस। देखिए सेव रिफ्रेश, देखिए नहीं आया, एक बार चेक करते हैं क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरह से देना है, और देखिए अभी आ जाएगा। देखिए 5100, तो यहाँ पे पूरा डेटा हमारा अभी डायनामिक हो गया। अभी हमें एक काम करना है, अगर कार्ड हमारा एम्प्टी है तो हमें यहाँ पे जो एम्प्टी कार्ड पेज है वो दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा सेशन है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ डेटाबेस से, तो ये अगर डिलीट हो जाएगा तो हमारा कार्ड ऑटोमेटिक एम्प्टी हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश, और यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि हमारे पास अभी कार्ड नहीं है और हम यहाँ पे जो उसके ऊपर डेटा है वो कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इफ एल्स लगाएंगे। देखिए ये हमारा ब्लॉक है यहाँ पे जो कि है अगर कार्ड के अंदर कुछ है, अगर नहीं है तो ये ब्लॉक हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे, तो ये EJS का टैग मैंने ओपन किया इफ, और यहाँ पे चेक करेंगे सेशन डॉट कार्ट, अगर सेशन डॉट कार्ट है मतलब कार्ट हमारा है तो हमें क्या करो, ये दिखा दो राइट, ये वाला ब्लॉक यहाँ तक, देखिए कहाँ तक, यहाँ तक। अगर नहीं है तो यहाँ पे else हम कर सकते हैं, देखिए आपको करना है इस तरह से else, इसको फिर से ओपन कर दिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाते हैं नीचे, देखिए यहाँ पे शायद हमें जाना होगा, नहीं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए
इस तरह से देखिए यहाँ पे else भी मैंने close कर दिया। अभी यहाँ पे अगर मैं करूँगा refresh तो error यहाँ से जानी चाहिए और जो empty cart page है वो हमें दिखना चाहिए। देखिए refresh और ये देखिए यहाँ पे हमारा cart empty है क्योंकि session के अंदर हमें cart मिला नहीं, तो ये हमारा पेज empty cart यहाँ पे दिखेगा। और अगर हम जाते हैं अभी होम पेज पे, यहाँ पे अगर ऐड करते हैं आइटम्स, देखिए दो तीन आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दिए और ये देखिए तीन आइटम्स है यहाँ पे आते कार्ड पे और ये देखिए फिर से हमारे आइटम्स यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमारी ऐड टू कार्ड फंक्शनलिटी अभी कंप्लीट हो गई। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।